लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। नारद जी ने वाल्मीकि से पूछा कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, तो वहां से रामायण की शुरुआत होती है। सूत महर्षि अपने शिष्यों से बात करते हुए कहानियां बताने लगे तो महाभारत शुरू हुआ। ये कहानी बारिश के मौसम में एक शाम विश्वनाथ नाम के आदमी के घर से शुरू हुई। अब्बू, लड़की का पिता बनने से ज्यादा बदकिस्मती और कुछ भी नहीं है। सब लोग 9 महीने कोख में रखने वाली माँ के बारे में बात करते हैं, लेकिन पैदा हुई उस बच्ची को दूध की बोतल से लेकर शादी के मंडप तक ले जाने वाले पिता के बारे में कोई बात नहीं करता। पैदा होने पर वो रोती है, पर शादी करके जाते वक्त हमें रुलाती है। अब्बू, जब लड़की पैदा होती है और जब वो हमारे कंधों पर खेलती है तो उस खुशी को बयां नहीं कर सकते। जब वही लड़की बड़ी होकर हमारे साथ चलती है और जब आवारा लड़कों की नजर उस पर पड़ती है तो अपने शरीर का खून खौलने लग जाता है। उस वक्त अपना दिल सिर्फ यही कहता है कि इन सभी को जमीन में जिंदा गाड़ दूं। मुझे मेरे बेटे के पैदा होने पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन 19 साल पहले ऐसी ही एक रात में मिशन हॉस्पिटल के बरामदे में जब मैं बैठा था, मुझे रोने की आवाज आई। उस आवाज ने मेरी जिंदगी बदल दी। अंजलि पैदा हुई थी, उसके बाद मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। फूड सप्लीमेंट्स के डिब्बे, पोलियो की खुराक, स्कूल का बैग। वो जब 8 साल की थी, स्कूल जाते वक्त मैंने आइसक्रीम दिलाई थी। पापा, अगर मुझे रोज आइसक्रीम खाना होगा तो आपको कितने पैसे कमाने होंगे, यह सवाल किया था उसने। फिर मैंने स्कूल के पास ही आइसक्रीम पार्लर खरीद लिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी को उसकी जिंदगी में किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए उसे बेफिक्र रखना होगा, और मैंने ऐसा ही किया। करोड़ों कमाए, पैसों की कमी नहीं होने दी। अंजलि के हर जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट देने की आदत है, इसी तरह मैंने पिछले साल भी गिफ्ट दी, पर वो गिफ्ट मेरी जिंदगी को और उसकी जिंदगी को इतना बदल देगी सोचा नहीं था। डैडी। हाय अंजू, तुम्हारा गोल्डफिश कैसा है? मैं एक्वेरियम के पास हूँ, ये आपको कैसे पता? अंजू के बारे में सब कुछ उसके डैडी को अच्छी तरह से पता है। अंजलि को भी उसके डैडी कहाँ है ये पता है। कहाँ हूँ बताओ? दिल्ली में, मीटिंग खत्म करके होटल में आकर रूम से फोन कर रहे हैं मुझे, राइट? रॉन्ग। दिल्ली में मीटिंग खत्म करके फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचकर अब अपनी प्यारी बिटिया के बेडरूम के नीचे खड़ा होकर उससे बात कर रहा हूँ। डैडी, कम डाउन। Many many happy returns of the day. Thank you. Shall we go for a drive? नहीं जाना।
स्थलम। यजमान, बेटी को आशीर्वाद दीजिए। क्या मांगा भगवान से? जल्दी से इसकी शादी हो जाए। पास होने के बारे में मांगो। शादी का क्या है, 4 घंटे में हो जाएगी। परीक्षा का भी तो वही है डैड, लिखने में 3 घंटे लगेंगे। सॉरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वैसे तुम रात में कहाँ चली गई थी? मैं विश करने आया था, तुम रूम में थी नहीं। तो पापा के साथ गई थी। अरे बहन, हमें कह दिया होता तो क्या चला जाता। अगर कह दिया होता तो क्या करते? अरे सब लोग साथ में खुशी मनाते और क्या। बस आशीर्वाद देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे क्या? अरे देने का मौका ही कहाँ मिल रहा है। पिछले साल सोचा कि साइकिल दूं, पर पापा ने स्कूटी दे दी। फिर मैंने सोचा कि कार दे दूं, पर पापा ने पहले ही खरीदी। तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या खरीदने की सोचा? अब वो जो भी खरीदेंगे मैं बुरा नहीं मानूंगा। तू किसी भी मामले में मुझसे मुकाबला कर सकता है, सिर्फ अंजलि को छोड़कर, क्योंकि उसे मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता। क्यों नहीं है, मेरा बेटा है ना। आपके बेटे के लिए गोल्ड क्यों? इस महीने की सैलरी दे दी ना। सोचा अगले महीने बढ़ा देंगे। ओम मनु पूर्व अनु पूर्व इंद्र पूर्व पेणु हरि देशी देशी गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मंडम हरि महेश्वरी स्वाहा। हेलो हेलो, वो है क्या? माँ जी। क्या हुआ? अर्जेंटली 1000 रुपए चाहिए, उनसे जल्दी लेकर आओ। 1000 रुपए ना, वो यहाँ नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ एक ही काम, पैसा पैसा पैसा। मैंने कहा यहाँ झाड़ उगा रखा है। 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपया देने के लिए इतनी कंजूसी करते हैं? इतनी बड़ी शॉप है। और क्या बड़ी शॉप है, शॉप पाउडर के डिब्बे जितनी है और लोन पाम ऑयल के कनस्ता जितना। ऊपर से दादाजी नहीं आते लोन चुकाने के लिए। वो ऊपर 5वें माले पर रहते हैं। क्या चाहिए सर? 1 किलो तुअर की दाल दे दो। सुबह उड़द की दाल या मूंग की दाल मांगने के अलावा तुअर की दाल कहने से आपने मेरे कान को तृप्ति दे दी है सर। बोनी हो तो ऐसी हो। सर्विस बड़ी तेज है आपकी। उड़द की दाल बहुत स्वादिष्ट होती है सर। छुट्टी दे दो। आप पैसे तो दे दो। आपके बेटे ने नहीं दिया। आप खरीदोगे तो वो क्यों देगा सर? क्योंकि उसने उधार लिया है मुझसे। 300 रुपए लेकर उड़द की दाल का नया स्टॉक आया है, 1 किलो लेकर ट्राई करने को कहा उसने। शौक लग गया क्या? शो किया तो शेक हो जाएगा सर। हाँ। ये बिलियर्ड्स टेबल है सर, इसके ऊपर अगर वो पैक देखेंगे तो ओनर मुझे नौकरी से निकाल देंगे सर। क्यों भाई, पैक को चीप समझकर हटवा रहा है? हमारी जात में ये पीना जरूरी है। पर हमारी जात में जरूरी नहीं है। तू मुझे 100 रुपए देना बाकी है ना? ये तो सही कहा। बाजी कितने की है भाई? मेरा 300। उसके पास कौन से बत्ते भाई? 2 गुलाम है। तुझे कैसे पता? अरे उसका चश्मा देखना यार। सच में क्या दिमाग है तेरे पास? खुद के पत्तों का क्या है, जब चाहे तब देख सकते हैं। पहले सामने वालों के पत्ते देखने चाहिए। तू तो पक्का जीतेगा यार। कहाँ है? दे देंगे भाई, शुरू करने के बाद उसे ही हमें देना होगा। ये बात उसे कहाँ पता है? दिखाओ। पहले तू दिखा। तुझे बहुत दुख होगा। कोई बात नहीं, सह लूंगा। दिखा। शो। चलो भाई अपना हुआ। हेलो, बाकी के पत्ते हमें पता है भाई, दिखाओ। बाप रे, तेरे पास तो सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए। तुझे कैसा पता? वो तुम्हारे चश्मे में देखा। इसमें क्या, इसमें हमेशा ये दिखता है, इसे गैम्बलिंग ग्लासेस कहते हैं। देख लो। दिखाओ। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इस तरह धोखा दे रहे हो। अरे भाई आप तो कुछ बोलो। अरे सर आप तो कुछ बोलो। ये यहाँ पर क्यों आए? पापा एक मिनट रुकिए। पापा रुक देता हूँ ना। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए ना। पापा एक मिनट रुकिए। पापा रात को सेकंड शो के लिए गया था पापा, वहाँ पे थिएटर के बाहर कोई खेल रहा था। क्या खेल रहा था वो, उसमें मेरे 300 रुपए चले गए। जहाँ हो वहाँ का ज्ञान लो, ऐसा आप ही ने तो कहा है ना, इसलिए रात भर उसके पास से कोचिंग लेकर सुबह ये देखो यहाँ स्टार्ट कर दिया। कितने कमाए? 500। कहाँ है? मेरे पास नहीं है, उसने जीते। निकम्मा, एक नंबर का निकम्मा। कल फिर के लिए चश्मे के बिना आ जाना। पापा पापा एक मिनट रुक जाइए प्लीज। पहली क्लास में चॉकलेट नहीं देने पर टीचर को मारा, दूसरी क्लास में टिफिन नहीं दिया तो काम वाले की छुट्टी कर दी। वो आज भी लड़कों की तरह बाल रख के घूमती है। कोई भी काम तूने मेरे दिल की शांति के लिए किया आज तक,
तुम मर क्यों नहीं जाता? जिंदा क्यों है तू अब तक? पापा सारी लड़कियां हमें ही देख रही हैं। घर चल के बात करते हैं, चलिए। तुझे शर्म भी आती है क्या? देख कैसे आवारों की तरह रुमाल लगा रखा है। देख इतनी बड़ी दुकान होने का मतलब ये नहीं कि तेरा बाप करोड़पति है। 15 लाख का कर्जा लिया हुआ है मैंने और ऊपर से तेरा एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ता। पापा मैं दुकान पे आता हूँ, वहाँ पर अकाउंट डिस्कस करते हैं। डिस्कस कुछ नहीं करना, आज फैसला करना है कि तू घर में रह गया तुझे निकालना पड़ेगा। पापा बेवजह मुझे ललकारिए मत। अच्छा ललकार रहा हूँ तो क्या कर लेगा? शाम को घर आऊंगा ना, बता दूंगा। सुनो सौदामिनी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है। बेटा खाना खा ले, चलिए डैडी। आज कौन सा वार है? शनिवार है। शनिवार की रात को मैं क्या खाता हूँ? कुछ नहीं खाते हैं। क्या पीता हूँ? दूध। तो फिर खाने के लिए क्यों पूछा? दिमाग नहीं है क्या? तू आजा चल। भैया नहीं आए क्या? भैया काम आएगा ये पूछना चाहिए, खाने पे आएगा ये नहीं पूछना चाहिए। गलत है ये। आपके हिसाब से तो कभी काम नहीं आएगा, ऐसे ही करते रहेंगे तो वो घर भी नहीं आएगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे इंसान है आप, खुद का बेटा खाना खाए बिना सो गया, उस पे दया नहीं आती? उस नालायक पे दया करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर कहीं खा के आया होगा। शाम से वो कहीं नहीं गया है। हाँ तो फिर दोपहर में खा लिया होगा उसने। मतलब उसने खाना नहीं खाया ये आप नहीं मानेंगे? अगर वो एक वक्त नहीं खाएगा तो कुछ हो जाएगा क्या? हे भगवान, दूध लेके आओ। क्या हुआ? भूख लग रही है। खाना लगा दूं? नहीं, वो तो हॉल में है। खाना शुरू किया तो पढ़ने वाले बच्चे कैसे होने चाहिए इस पर किताब लिख देंगे, रहने दो। तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं ना। हाँ तो अच्छे से कहना चाहिए ना, ऐसे ताना नहीं मारना चाहिए। वो सब छोड़ो, थोड़ा दूध। आपके हाथ से तो पानी भी अमृत की तरह लगता है। और चाहिए तो सीधे मांग भी सकते हैं। इतना सा क्या करोगी, ये भी पी लेता हूँ। अरे अरे, ज्यादा पी रहा हूँ क्या माँ? नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोलता है? मेन पेपर पढ़ने से थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आ जाती है। 30 साल से पढ़ रहे हैं आप, चश्मा लग गया। आप पानी पियेंगे क्या? दूध लाने को कहा था, 15 मिनट बाद आके पानी पियोगे, ऐसा पूछिए? दिमाग नहीं है क्या? दिमाग तो है, दूध नहीं है। दूध नहीं है क्यों, चूहे पी गए क्या? मैंने पी लिया। आधा लीटर दूध पी गया तू? अरे पेट है, कुआं है तेरा। ललका रहा तो क्या करेंगे, बोला था ना। क्या करूंगा, समझ में आ गया? अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं, आपको दूध पिए बिना नींद नहीं आएगी, कल सुबह तक दूध नहीं आएगा। मुझसे पंगा मत लो। हाँ जब गुस्सा आता है तो खाना नहीं खाते, तेरी तरह ज्यादा नहीं खाते। मतलब गुस्सा भी मुझे और भूख भी मुझे ना, इसलिए छोटा सा चेंज किया। गुस्सा मुझे आ गया इसलिए भूख आपको दे दी। गुड नाइट। कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ ये? इससे जो भी शादी करेगी ना वो रावण की पूजा करेगी। आधे घंटे खेलकर ढेर सारे फल खाएंगे, इसे डाइटिंग कहते हैं। ससुर जी ठीक ही करते हैं सासू माँ, आप अपने बेटे को देखिए, उनसे ज्यादा वो खाता है, बाकियों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। यस, आउटसाइड नहीं था डैडी, आप हार गए। तूने अंजलि के कॉलेज के बारे में पता किया? वेस्ली कॉलेज अच्छा है डैड, उसमें पढ़कर कोई भी बड़ा इंसान नहीं बनता। डैड मैंने उसी में पढ़ाई की है, इसीलिए कह रहा हूँ सेंट जोसेफ ट्राई कर, ठीक है ना बेटा? सेंट जोसेफ बहुत दूर है डैड, ये तो ऑफिस और घर दोनों के पास है। अच्छा है, अपनी बीवी को ज्वाइन करवा देना। डैड किस बात पर बहस हो रही है? कुछ भी नहीं। तो आपने पहले से ये डिसीजन ले लिया है? अगर आपने पहले ही सोच लिया था तो फिर मुझसे क्यों पूछा? अरे फिल्म देखने जाते समय थिएटर के बाहर हर कोई पूछता है कि फिल्म कैसी है, पर ये पूछकर कोई लौट तो नहीं आता ना। मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है? तेरी यही बात मुझे पसंद आती है, थोड़ा लेट भले ही हो जाए लेकिन बातें तो समझ लेता है। हाय, वेयर्स द फी काउंटर? दैट वे। थैंक्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसी क्या देख रही है? अपने इंग्लिश प्रोफेसर कितने हैंडसम है ना। तू ऐसी बात मत कर। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। सुनो सुशील सुंदरी, तुम लोग अपनी पढ़ाई को प्यार करो, किसी और को प्यार करने की जरूरत नहीं है। चल यहाँ से, इससे कोई लाइन नहीं देता ना, इसलिए जलस हो रहा है। जलस हो रही है? हे भगवान, ये कैसा ड्रामा है? ये बीच में कौन खड़ा है? तो कौन है बेवकूफ? सॉरी सर, मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट है सर। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी स्टाइल ही ऐसी है। वैसे इतनी किताबें कहाँ ले जा रहे हो, अभी से पढ़ाई शुरू करनी है क्या? नहीं बेचना है, इसलिए। बेचने के लिए? बहुत कड़की चल रही है सर, लाइब्रेरी में पता तो नहीं चलेगा सर। कैसे पता चलेगा, मैंने कितनी बार बेची है पता चला? सर अब क्या है, आपको एक बार पता है क्या? पता नहीं। मैन सुपरमैन में क्या फर्क होता है? सुपर गलत सर, मैन पैंट के अंदर अंडरवियर पहनता है और सुपरमैन पैंट के ऊपर पहनता है सर। तो फिर मैं कौन हूँ, मैन हूँ या सुपरमैन हूँ? आप तो जेंटलमैन है सर। मतलब बिना अंडरवियर के पैंट पहनते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जेंटलमैन सर।
हाय शालू। हे मेरी कार। किसी ने देखा तो नहीं? आपको दिखाई नहीं देता क्या? रोड पर टक्कर लगती तो मैं समझ सकती हूँ, पार्किंग प्लेस पे। इसे खरीद कर अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, मैं वहां से कितना चिल्ला रही थी वो भी नहीं सुनाई दिया क्या? I'm so sorry. क्या सॉरी, मेरा तो नुकसान हो गया ना। मेरी हालत सुनोगी तो आपका सीना फट जाएगा। इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरी बहन को कान से सुनाई नहीं दे रहा था तो हॉस्पिटल ले गया था, उन्होंने टेस्ट करके बिल दे दिया। उसे देखकर मेरे पापा का दिल ब्लॉक हो गया, बाईपास करने को कहा। मेरी डिग्री पास नहीं हुई है, मैं बाईपास कैसे करवाऊंगा? इसलिए किसी दोस्त से कर्ज मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया। वो लड़की मुझे पहचान के लगी तो वहां पर देखा और यहाँ गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई। अरे आप इतना बुरा मान गए क्या? आपकी हालत जाने बिना मैंने आपसे इतना कुछ कह दिया, I'm sorry. वैसे भी एक लाइट ही तो टूटी है, 300 रुपए में वापस लग जाएगी। है ना, तो फिर डांटा क्यों? मतलब मैंने डांटा इसलिए आप रोए थे? तुम डांटना बंद करो इसलिए मैं रोया। तो फिर आपके डैडी हार्ट अटैक? हार्ट अटैक उसको होता है जिसके पास हार्ट हो, मेरे पापा के पास चांस ही नहीं है। हाँ? वैसे इससे पहले क्या कहा था? दिखता नहीं है क्या? बाइक चलाना इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? क्लच पकड़ो, गियर डालो, एक्सीलेटर रेस करो, हैंडल को कंट्रोल करो, बगल में लड़कियों को देखो, ये सब करते वक्त कभी कभी ब्रेक लगाने में देरी हो जाती है, इसके लिए इतना बड़ा भाषण। न्यू एडमिशन हो गया? नाम क्या है? अंजलि। गीता अंजलि या कला अंजलि? सिर्फ अंजलि। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे ज्वाइन होके सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। तुम्हें ज्वाइन होके सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और तुम्हारा नाम अंजलि है ये मुझे पता है, और मैं 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरा नाम ऋषि है ये तुम्हें नहीं पता। वेरी बैड, चलो तुम पहले चलो। पर जाना कहाँ है? इतना शौक खाने के बाद इंसान कॉफी नहीं पिएगा तो मर जाएगा पता है, चलते हैं आओ। सर ऑर्डर। सर इडली खाओगी क्या? एक प्लेट इडली। डोसा खाओगी? डोसा भी एक प्लेट ले लेना। तो फिर उपमा? नहीं चाहिए। उपमा भी एक प्लेट लेके आना। कॉफी? ओके। नहीं, लड़कियों को कॉफी पसंद नहीं है। एक आइसक्रीम लेके आना। ओके सर। खाना खा लिया क्या? खा लिया। वही, इसलिए तुम कुछ खा नहीं रही हो, मैंने तो 2 घंटे पहले ही खा लिया था। बिल सर। यहाँ की सरकारी हो, बिल भरो। बिल? क्यों, पैसे नहीं है? तुम उस कार के ड्राइवर की बेटी हो या ओनर की बेटी हो? वो कार में ही है। तो फिर ठीक है, पर्स में पैसे होंगे, निकालो निकालो। टिप का तो हो गया, बिल का क्या? मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं। तो फिर पैसों के बिना कॉलेज में आती क्यों? मुझे जो कुछ भी चाहिए वो डैडी खरीद देते हैं। हाँ हाँ, तो फिर बिल कौन भरेगा? सिनेमा में देखकर हंसता था, लेकिन सच में बिल ना भरने पर प्लेट धोना पड़ता है ये मुझे आज ही पता चला। गिरा दिया ना, खुद तो चम्मच की तरह है, सारे प्लेट एक साथ उठाएगा तो क्या होगा? थैंक्स भाई, मेरा धोने का काम कम करवा दिया। ये क्यों बेवजह पकड़ा हुआ है? हाय ऋषि। प्रिया? नो। ए, तुमसे ही कह रही हूँ। नो मैन। क्या हुआ ऋषि? ऋषि, तुम सच में आई हो क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम 2 दिन कॉलेज में नहीं आई थी, तुम बात भी नहीं कर रही थी, तो अभी सामने खड़ी हो तो तुम मुझे बुला रही हो, ऐसा मुझे वहम हो रहा था। मुझसे बात करने के लिए इतना वेट कर रहे थे? फाइट करने वाले को फाइटर कहते हैं, वेट करने वाले को वेटर कहेंगे, तो मुझे बेस्ट वेटर अवार्ड देना चाहिए, यू नो। हाउ स्वीट। वो खाकर कॉफी पिए क्या? चलो। आई एम सॉरी। कौन है भाई? कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दैट्स ओके। क्या हुआ था?
कल भी ऐसे ही ये मुझे कॉफी पीने के लिए ले गए थे। अंजलि, कॉफी के साथ हल्का सा खाना भी खाया था। बिल 200 रुपीज का आया। रियली? अंजलि, उस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो फिर ऋषि ने पैसे दे दिए होंगे। भर दिया होता तो थैंक्स कहती ना, सॉरी क्यों कहती? हाँ, सॉरी क्यों कहा तुमने? वो सब तुम्हें जाने की जरूरत है। अंजलि, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। बिल नहीं भरा इसीलिए बेचारे से प्लेट्स तलवाए। अरे मैं क्यों प्लेट दूँ, इज्जत रख ली बस। I'm really very sorry, sorry. प्रिया, मैं आज पर्स लेके आया हूँ। हम कॉफी स्वीट। नहीं actually मुझे थोड़ा सा काम है ऋषि। Some other time. Okay. बताओ सुशीला सुंदरी, क्या कंफ्यूजन है तुम्हारी? डर लग रहा है सर। डर लग रहा है? मेरी सर्विस में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए भी हैं, करवाए भी हैं। अब इसमें इसको मिलाएंगे तो धुआं निकलेगा, सूंघेंगे तो खांसी आएगी। तुम डरना मत, क्लियर होगा तो सब ठीक हो जाएगा। सुनो सुशीला सुंदरी, सुंदरी, स्मोकिंग इज रियली इंजूरियस टू हेल्थ। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। तकलीफ इंसान को नहीं, क्या जानवर को आएगी? चुप हो जा भाई। सब खत्म हो गया। अगर तू रोएगा ना तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। प्लीज चुप हो जा। देखो तुमने जो किया उसकी वजह से कितना तड़प रही है। 2 साल से प्रिया के पीछे घूम रहा है, पता है तुम्हें? सॉरी भाई, 3 साल से घूम रहा है। 200 रुपए के लिए इसकी इज्जत उतार दोगी क्या? तुमने कितना बड़ा पाप किया है। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो रही है, इसे क्यों डांट रहा है? मत बोल इसे कुछ। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। देखा तूने, ये होती है इंसानियत जो है तुझमें। छी, लड़कों से बिल भरवाने वाली लड़की अकेली हो तुम। ठीक है, इसने सिर्फ प्लेट ही धोया है, फर्श धोया होता तो पेपर में छपा देती क्या? अब वो सब डिटेल्स की जरूरत है क्या? अबे ऐसी बात कर रहा हूँ, तू रोना चालू रख। ये तो सेंसलेस लड़का है इसलिए अभी तक रो रहा है। अगर मेरे जैसा सेंसिटिव लड़का होता ना तो सुसाइड करके मर गया होता, सही कहा ना? बहुत मार खाएगा। सॉरी भाई, मुंह से निकल गया। देखो तुम इस कॉलेज में नहीं हो, यहाँ के क्या नियम है तुम्हें नहीं पता है। अभी यहाँ पे लड़कियाँ आती जल्दी हैं लेकिन जाती देर से हैं, और उनके हैंडबैग में कम से कम 1000 रुपए होने ही चाहिए, और लड़कों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है। कॉफी पिए तो बिल भरना चाहिए, कॉपी करे तो चिप देना चाहिए, ज्वाइन होने के 6 महीने के अंदर किसी न किसी से प्यार करना चाहिए, नहीं तो प्यार में हेल्प करनी चाहिए। ये है यहाँ के नियम, अगर तोड़ा तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। हाँ तो बताओ, कनेक्टिंग रोड के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? हमें मिलना मुश्किल है डैड। क्यों? एक्चुअली इस रोड को बनाने में 2 करोड़ खर्चा होगा, पर दूसरी पार्टी ने 1.25 करोड़ का ही टेंडर डाला है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ना मिले। ठीक है, जैसा हमने सोचा था 2 करोड़ भेज दो। आप क्या कह रहे हैं डैड? वो क्या कह रहे हैं, उन्हें भले ही लॉस हो जाए लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यही ना? मैं क्या कह रहा हूँ, हमें भले ही प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, उनका जरूर लॉस होना चाहिए, भेज दो। ओके सर, कोई रंगाराव जी आए हुए हैं। अपॉइंटमेंट है डैड, भेज दो। ठीक है सर। कौन है ये? अरे वो मैरिज ब्रोकर है। नमस्ते सर, आपके गांव में जो सच्चा राव जी है ना, उनके बारे में कुछ बात। सीधे मुद्दे पर आओ। उनके पोते कुमार ने पिछले साल किसी शादी की कैसेट में देखा था, तो उस बारे में मैं आपसे बात करने आया। लड़का क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है सर, अमेरिका में है। महीने में 5-6 लाख तो कमाई लेता है, और एक बड़ा बंगला भी बनाया है। कहाँ पर? अमेरिका में। और उसके माँ बाप? हाँ है ना जी, अमेरिका में ना? नहीं नहीं, यहीं पर हैं। ओह, यानी उन्हें सिर्फ देखने आता है क्या? अरे रे, इतनी फुर्सत कहाँ है उसे, जब भी उन्हें उसे देखने का मन करता है तो वो वीजा और टिकट भिजवा देता है, उन्हें अमेरिका में बुला लेता है वो। उनकी इज्जत और दौलत बिल्कुल आपके लायक है सर। रंगाराव जस्ट अ मिनट, माँ बाप और भगवान के हमें खुद दर्शन करने पड़ते हैं, ये सोचना कि वो हमें खुद दर्शन देने आएंगे मूर्खता है। जिसके पास इंडिया में रहने वाले माँ बाप के लिए टाइम नहीं है वो अपनी बीवी को क्या टाइम देगा। वैसे भी शादी के बाद अपनी बेटी को देखने के लिए मुझे वीसा की जरूरत पड़े मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। सर वो मुझे अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहिए मैं जानता हूँ। वैसे एक बार अगर उसका फोटो दे। आप जा सकते हैं, अंजलि की शादी किस लड़के से होगी मुझे पता है। गुड मॉर्निंग सर। हाय सारदी, गुड मॉर्निंग। कम शायद आप कोई काम कर रहे हैं, मैं बाद में आ जाऊंगा। नो, तुमसे बढ़कर कोई काम है क्या? नाइस टाई। थैंक यू सर। बैठो। अचार 15 है। वो 15 भी ऊपर रख देना भाई। गलती आपने देखी नहीं। गलतियां नहीं, आदतें तो देख लो कम से कम। नेक्स्ट। नींबू का अचार
और आम का अचार 10। अरे क्या खाक अचार लिखूंगा, हाथ दुखने लगे हैं। अरे जरा चाय बोलना यार। चाय चाहिए? हमारे पास स्टोव है, घासलेट है, चाय पत्ती है, मिल्क पाउडर है, शक्कर है। थर्मस है क्या? वो भी है। वो ले जाके ईरानी होटल से 2 चाय लेके आओ। अभी लाता हूँ। पापा ने कहा था डिपार्टमेंट स्टोर नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना नहीं। यहाँ सिर्फ आंटी आई हैं। एक ब्यूटी पार्लर खुला होता तो पढ़ाई छोड़ के 24 घंटा मैं यहाँ खुद ड्यूटी करता, पर क्या करें, घमंड बहुत है। ये कौन है? तुम हो? ये शॉप? हाँ क्या? लोन। वैसे क्या खरीदने आई हो? हॉर्लिक्स। और फेरिक्स? हाँ फेरिक्स, तुम जैसे बढ़ते बच्चों के लिए अच्छा है, वहाँ पे रखा है, जाके ले लो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? लड़की हूँ। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए तो ये भी अच्छी है। अंजलि, हे ये परफ्यूम ट्राई करके देखो। हुँ? उस लड़की ने क्या खरीदा? नया परफ्यूम आया था ना, एक बेच दिया। वो तो लड़कों के लिए था। ये खुलता नहीं है क्या? वो नहीं खुलेगा। क्यों, खराब हो गया क्या? नहीं बाबू। हाँ। आपके पापा ने उसमें ताला मार दिया। तुम पे भरोसा नहीं है? मुझ पर भरोसा है बाबू। हाँ। लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है। ये हुई ना बात, ऐसा मारो कि विकेट टूट जाए। उसे आउट कहते हैं। ऐसा मार कि बॉलर का मुंह फट जाए, फिर मैच रुक जाएगा। उसे तो आराम से फोर जाना चाहिए बस। ये तो ठीक है। क्या मारा, बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया। ए, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अब चक्का मारने पर चिल्लाएंगे, नहीं तो क्या रोएंगे। ए, तुम सब लोग ऋषि के फैंस नहीं, हो क्या? फ्रेंड्स। अरे यार, उसके सिंगल लेने पर भी ताली बजा रहे हो। तो सेंचुरी मारने पर बजाएंगे क्या? आप सेंचुरी मार ले, वही बहुत। उसके बाएं हाथ का खेल है, बैट लगाएगा क्या? अबे ऋषि का स्कोर क्या? रफली 45 होगा। पक्का स्कोर बोल। 46। 50 नहीं मारेगा, 200 की बैट लगा। पक्का मारेगा 400 की बैट। डन। एक चौका मार, 400 अपने बन जाएंगे बैठे बैठे। हाय ऋषि, बहुत अच्छा खेल रहा है। बांडू मेरे पैसे। अबे चुप रहे, तुझसे मैंने पैसे कब उधार लिए? दोस्त आउट हो गया, उसका दुख है मुझे और तू मुझसे पैसे मांग रहा है, चल भाग यहाँ से। इसकी तो तू भी क्या रे, इतना धुआंधार चौका छक्का मार रहा था, अचानक धुआं क्यों हो गया? मैच फिक्स है क्या? ए, ऐसे देख क्यों रही थी मेरी आंखों में आंखें डालकर? मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने मुझे देखा नहीं क्या? सब लोग देख रहे हैं ना। सबका देखना अलग है, तुम्हारा देखना अलग है। क्या अलग है? सीनियर से उल्टे सवाल पूछना बंद करो, लाइफ में आगे जाओगी। चल भाई चलते हैं, लगता है टाटा स्टील फैक्ट्री से महारानी को डायरेक्ट ले आए। अरे बाप रे, उससे आंखें मिलते ही 400 रुपए हवा हो गए अपने, दोबारा बैट नहीं लगाऊंगा। खरीदने के बाद भी पढ़ सकती है ना? पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा खरीदती है या नहीं। मैं बाहर इंतजार करती हूँ, तब तक तू सब पढ़ के कोई एक तो खरीद कर आ जा। Thank you.
हाय 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 तुम भी बुक्स खरीदने आए हो क्या? हाँ, मुझे सिर्फ बेचने की आदत है, खरीदने की नहीं। किसी फ्रेंड के लिए आए हो? अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताए बिना तुम मुझे छोड़ने वाली हो नहीं? ऐसे ही पूछ लिया, माफ कर दो। वो सब ठीक है, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है क्या? क्यों, खरीद दोगे क्या? तुम अगर पैसे दो तो जो चाहो वो मैं खरीद दूंगा। आइसक्रीम खाए क्या अभी? इस बारिश में गर्म पकौड़े तो कोई पागल ही खाता है। आइसक्रीम खाने वाले ही रोमांटिक फेलोज हैं। तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ले आता हूँ। ठीक है ठीक है, कहोगी तो काफी है। चलो चलते हैं, आइसक्रीम आने वाली है ना, खाकर जाते हैं। इतनी बारिश में आइसक्रीम खाएगी? बारिश में गरम गरम पकौड़े तो हर कोई खाता है। आइसक्रीम वही खाते हैं जो रोमांटिक होते हैं। ऐसा ऋषि ने कहा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये लाइंस तुम्हारी नहीं हो सकती। वैसे कितना टाइम हुआ उसे जाके? 15 मिनट। आइसक्रीम पार्लर तो बगल में ही है, चलो चलते हैं। ओके। या, हैव इट। ओह, थैंक्स। तुमने उसे कितने पैसे दिए? 100 रुपए। जाकर और 100 रुपए दे दो, पता नहीं उसे पूरे पड़ेंगे या नहीं। प्रिया, तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीऊंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों, तुम्हें लगा था मैं नहीं आऊंगी? नहीं, तुम्हें कॉफी पीने की आदत नहीं होगी ऐसा सोचा था। कम ऑन ऋषि। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। या, श्योर। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो, और कोई काम नहीं है क्या? बेकार हम नहीं, तुम हो। इससे कहा कि मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ और प्रिया के साथ बैठकर यहाँ कॉफी पी रहे हो। हाँ, पैसे तुमने दिए हैं क्या? नहीं। हाँ, तो जरा अपना मुंह बंद रखो। 100 रुपया देने पर जेम्स बॉन्ड की तरह असिस्टेंट के साथ चेकिंग के लिए आ रही हो? वैसे भी बारिश में आइसक्रीम खाता कौन है? लड़कों को 1000 लोगों से लाखों काम होते हैं, ये समझना चाहिए। ऐसे रोड पर आकर चीप बातें करना ठीक नहीं है, चलो जाओ। सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। हाँ, वो सब तो ठीक है, वापस ऐसे काम मत करना। बारिश में भीगोगी तो बुखार आ जाएगा, घर जाके सो जाओ, जाओ। रास्ते में आइसक्रीम की गाड़ी दिखी तो रुकना नहीं। हाँ, अच्छे से खा ली तूने आइसक्रीम, अब खड़ी क्या है, चल चलते हैं। ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह क्लास में जा रहा है। पढ़ाकू है, क्विज में अव्वल है, जो भी पूछो बता देता सच में। अबे रवि, जरा यहाँ तो सुना है तू क्यूज में अव्वल है? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बताएगा? 1939 to 1945। कितने लोग मरे थे उसमें बताएगा? करीब 2 करोड़ से ऊपर ही होंगे। उनके नाम क्या थे? जाके पता करके आ। कैसा लगा मेरा जोक? सुपर। यहाँ कोई जोक मारेगा तो किसे मारना चाहिए? तुझे मारना चाहिए। और तुझे हंसना चाहिए। ज्यादा बोल मत। थैंक्स। वो देख, जेंटलमैन आ रहा है। सर 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 सर। यस। एक मिनट, पांडू को एक डाउट है सर। तो पूछो। सर, सुबह सुबह एक सुंदर सी लड़की आपका दरवाजा नॉक करके ये बोले, हाँ। जानू जानू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ। अपनी बीवी को मारकर मुझसे शादी करेंगे कहे तो आप क्या करेंगे? सिंपल। तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है मुझे देखना है, ये कहकर मेरी बीवी, हाँ। के हाथों मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसा, हाँ। एक लेटर लिखवा कर उसके बाद उसको मारकर, हाँ। प्रीति जिंटा से शादी करूंगा। You're too intelligent, sir. So nice of you. सर, मैडम आ गई है, लेटर लिखवा लीजिए। कविता। हाँ बे, कविता ही हूँ। घर वालों ने अनजाने में तो जैसे आदमी से मेरी शादी करवा दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा चाहिए। घर में इतनी सुंदर बीवी बैठी उसे भूल गया? शादी के लिए तो बड़ा विग पहन कर आया था मुझे धोखा देने के लिए। वो सब कुछ भूल गया। घर जल्दी बताती। अंजलि, अंजलि एक मिनट रुको। अंजलि, उस दिन अचानक से मुझे प्रिया वहां दिख गई, इसलिए मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इसे गुस्सा भी आता है क्या? सबको लेके आ जा, 1000 रुपए पकड़। Thank you.
लड़की कैसी दिखती है? बहुत सुंदर दिखती है। क्या, कौन सी लड़की पापा? तू जिसे देख रहा है वो लड़की। मैं तो चांद को देख रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, वैसे वो क्या पढ़ रही है? कौन? वो ही लड़की। पापा प्लीज पापा। ए, ऐसे देवदास की तरह चांद को छुप छुप के देखने से कुछ नहीं होने वाला। जो दिल की बात है ना वो सीधा उस लड़की को बता दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा। उम्र होने के बाद मेरी तरह प्रेम कहानी बताने के बजाय कोई और कहानियां सुनाता रहेगा। आपको क्या हुआ है पापा? तुम्हारी तरह पढ़ाई तो नहीं की लेकिन प्यार जरूर किया। बोलने से डरता था मैं और उसकी शादी कहीं और हो गई। कौन है वो पापा? तुम्हारी माँ। एक बात ध्यान रखना, जो कमा नहीं सकता उसे खर्चा करने का कोई हक नहीं है, और जो जता नहीं सकता उसे प्यार करने का हक नहीं है। से तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं अंजलि, लेकिन वो कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब कुछ लेटर में लिख दिया है। अगर पैसे होते तो मैं सोने की शीट पर अच्छे से लिखकर सजा कर दे देता, लेकिन क्या करें, अफसोस लव लेटर लिखने के लिए मैं लाख रुपए भी खर्च नहीं कर सका। अफसोस। एक ही शब्द में कहूं तो ये लेटर मेरा लीवर है अंजलि। हैं? लीवर ये शब्द फ्लावर से लिया गया है। दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन लीवर को कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अंजलि, इसलिए इसे मैंने लीवर कह दिया। इसे किसी तरह तुम्हें प्रिया को देना होगा। तुमसे मैं मुफ्त में काम नहीं करवा रहा हूं, ये चॉकलेट ले लो, मुझे शर्म आ रही है। प्रिया मेरी जान, तुम्हें देखते ही मेरे दिल में प्यार पैदा हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं एक जानवर की तरह। तुम कहो तो मैं विस्की पीऊंगा देवदास की तरह, तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर पिएंगे एक ही कोल्ड ड्रिंक,
तुम्हारे बिना जिंदगी मतलब रवा के बिना उपमा। उसे खाना तो मुझसे नहीं होगा तुम्हारी कसम। ये खत पसंद ना आए तो तुम गाली दो या मुझे मारो, पर बात करना बंद करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये कविता लिखी है मैंने बहुत ही ब्रांडेड बॉल पेन से। उसके रिफिल से मैंने अपने दिल का हाल जाहिर किया है। उसके अंदर इंक नहीं है प्रिया, तुम्हें और मुझे मिलाने वाला इंक है। इतनी पोएट्री लिखने के बाद ये खत डायरेक्टली तुम्हें देने में मुझे शर्म आ रही है, इसलिए अंजलि के हाथों भिजवा रहा हूँ। अंजलि को ही दिया क्योंकि उसकी बॉडी तो बढ़ गई है लेकिन उसका दिमाग नहीं बढ़ा है, और ऐसी लड़की पूरे कॉलेज में वो अकेली ही है। एक चॉकलेट दो तो चाइना वॉल पर से भी कूद जाएगी, तो ये खत लेने के बाद उसे चॉकलेट देना भूलना मत। आज गुरुवार है, शाम को 5 बजे माँ और बहन साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए अपने ही घर में इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा, तुम्हारा अपना अमर प्रेमी ऋषि। कॉफी पिलाने के लिए इतने बड़े होटल में लेकर आया, थैंक्स यार। अरे तू फिक्र मत कर, बिल तुझे ही देना है। ऑर्डर सर, कॉफी है क्या? हॉट कॉफी चाहिए या कोल्ड कॉफी सर? हॉट कितने की, कोल्ड कितने की? हॉट 35 और कोल्ड 80 सर। कोल्ड नहीं चाहिए, 2 हॉट कॉफी 5 कप के साथ। सर 2 कॉफी के साथ 5 कप नहीं आएंगे। क्यों? ए, 4 कप एक गिलास लेके आ। ओके सर। कैसा लगा टच? अगर कोई टच देगा किसे देना? तुझे देना चाहिए। फिर तू चुप रहना चाहिए, अपना काम कर। अबे पीछे वाली लड़की सुंदर है ना? कहां पर बे? ए तुम लोग फटाफट पी लो वरना कोल्ड कॉफी के पैसे देने पड़ेंगे। ए शाम को 5 बजे कला भवन में फ्रेंच सिनेमा लगने वाला है, मस्त एक्शन है भाई। तो फिर जाएंगे भाई। सॉरी भाई, मैंने 5 बजे एक लड़की को अपॉइंटमेंट दी है। अभी 5 कहां बजे हैं? फोन करके आता हूं। एक्सक्यूज मी, गेट मी 3351058। 1 मिनट। हेलो। हेलो अंजलि, ये तो जरा उसे बुलाइए। आप कौन बोल रहे हैं? रणबीर कपूर बात कर रहा हूँ। मतलब? राज कपूर का पोता, ऋषि कपूर का बेटा। तुम उसे फोन दो यार। अंजलि तुम्हारा फोन है। कौन है? अपने आप को रणबीर कपूर कह रहा है। हेलो, मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों कॉलेज छूट गया? खाना खा लिया? वेरी गुड। वैसे लेटर प्रिया को दे दिया ना? खाना खा के सो जाना, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, यस, मुझे बात करनी है। डेफिनेटली, मेरे फोन रखते ही आप नंबर बोलोगे तो वो लगा देंगे। मुझे उसी नंबर पे बात करनी है। आप अंजलि का डैड? प्लीज। हेलो बेटी, मैं बोल रहा हूँ। डैड? कुछ खास बात नहीं, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। मम्मी से कह देना इंतजार ना करें। बाय। अंजलि आपकी बेटी है सर। बताया तो तुम्हें। मैं अंजलि का क्लासमेट हूँ। आई एम ऋषि। ओह, आपकी बेटी बहुत सुंदर है सर। थैंक यू। आप पर बिल्कुल नहीं गई है सर। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। गड़बड़ी में सच कह दिया सर। नाइस मीटिंग यू सर, बाय। कहाँ गया था? ये लड़की बेचारी कब से तेरा वेट कर रही है। हाँ। बैठ जा बेटा। आप ये सब क्या है? ये लड़की तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है ना? वही, कहीं तो देखा था मैंने इसे। इसने तो कहा तुम्हें जानती है। हाँ आप जानती होगी, तुम भी पहचानते हो। माँ आप अब तक मंदिर नहीं गई? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। हम मंदिर जाकर आते हैं। हाँ ठीक है, बाय अंजलि। बाय। अगर कुछ डाउट है तो क्लैरिफाई कर लो। अरे कमाल है, तुम तो यहाँ मेहमान की तरह सेटल हो गई हो। चलो बाहर निकलो, चलो। क्यों, कोई काम है क्या? कुछ समय में प्रिया आने वाली है। नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बढ़ गया है पर दिमाग बच्चों जैसा ही है। ये डायलॉग कहीं तो सुना सुना लग रहा है। सुना नहीं होगा, शायद लिखा होगा। तुमने वो लेटर पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ लिया। दूसरों के लिखे खत पढ़ना मैनर्स नहीं है, पता नहीं है क्या? दूसरों के लिए लिखे गए लेटर में मेरे बारे में नहीं लिखना चाहिए, ये तुम्हें नहीं पता क्या? तुम पहले वो लेटर मुझे दो। ये कहाँ देना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। अंजलि हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं।
पर क्यों करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। अंजलि एक आम का पेड़ है और उस पर सिर्फ एक ही आम है, वो हाथ नहीं आता इतनी ऊंचाई पर है। वो अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पास में उसे मारने के लिए कोई पत्थर है कि नहीं ढूंढेंगे। पर दूर से देखने वालों को यह लगता है कि ऊपर के फल को छोड़कर नीचे क्या ढूंढ रहा है, बट एक्चुअली फल जितना जरूरी है उसे मारने के लिए पत्थर भी उतना ही जरूरी है। इस कहानी में पत्थर प्रिया है और फल तुम हो। अगर मैंने ये लेटर प्रिया को दे दिया होता तो? तुम नहीं देती, मुझे पता था। अंजलि यहां से प्यार करो तो यहां पता लगता है। सुनो कल सुबह याद से मुझे 9 बजे उठा देना। इतनी जल्दी उठेगा, नींद नहीं पूरी होगी। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे डैड? मजाक कर रहा है? नहीं डैड, आपको रोटी दे रहा हूँ। ये बता, तूने खाने और सोने के लिए ही जन्म लिया है क्या? क्यों जी, खाना खाते समय भी आपकी डांट खानी पड़ेगी क्या? आपको परोस दूं? अंजलि को आने दो, वो बाहर गई हुई है। हाय डैडी। ये क्या आपने अब तक खाना नहीं खाया? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ही खाएंगे, पर तुम सॉरी डैड, मुझे भूख नहीं है। गुड नाइट। निकालो। आजकल इसके फ्रेंड कुछ ज्यादा हो गए हैं और खाना कम। हाय। ये क्या, इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? उस दिन आइसक्रीम खाने के लिए पैसे लिए थे ना, वो देने के लिए आया हूँ। पैसे कहाँ हैं? एक्चुअली वो अभी तो नहीं है, 2 दिन का टाइम दोगी तो दे दूंगा, ये कहने के लिए आया हूँ। मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? शाम को जो खेल रहे थे वो फिर से खेलें? शर्म नहीं आती क्या? प्यार है ना। पर प्रिया, अरे इतना क्यों शक है तुम्हें? शक नहीं है, डर है। क्यों? मेरे पास ब्रेन नहीं है इसीलिए, चॉकलेट खाती हूँ इसीलिए, बोर होकर छोड़ दोगे इसीलिए। पगली, माँ पिता और अंजलि कभी बोर नहीं करेंगे। ओ, 2 बज गए। और 1 घंटे बाद 3 बज जाएंगे। अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शादी कर देंगे। इसलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया है। ओहो, जाओ ना ऋषि प्लीज। तुम्हारे घर में डॉगी है क्या? आते समय तुमने देखा नहीं क्या? अगर देखा होता तो आता ही नहीं। कुछ नहीं करेगा, जाओ। थोड़ी देर रुक जाओ, उसके सोने के बाद चला जाऊंगा। वो नहीं सोएगा। क्यों, उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? वो सब मुझे नहीं पता। तुम यहाँ से जाओ ना ऋषि प्लीज। मेहमानों को इस तरह से भगाती हो क्या? अंजलि। हाँ? एक छोटी सी मदद कर दोगी? इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं मांगूंगा। क्या हुआ? इसे थोड़ा पीछे बुला लो। मुझसे 2 साल सीनियर हो, फिर भी एक डॉगी को नहीं संभाल सकते? टाइम देख के बदला ले रही हो? नहीं, और हमारा क्या है, वैसे भी आप तो हमारे सर हैं ना? नहीं, कल से मैं ही तुम्हें मैडम कहकर पूरे कॉलेज में घूमूंगा। फिर गर्लफ्रेंड, कॉफी। कट, कल से तुम्हारे सिवाय सारी लड़कियां मेरी सिस्टर्स हैं। तुम्हारे बैग्स मुझे उठाने होंगे? जरूरत नहीं है, तुम्हें भी मैं ही उठाऊंगा। That's better. इसे पीछे बुला लो, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे नहीं, उसके पढ़ो, क्योंकि वो मेरी बात भी नहीं मानता है। क्यों, लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? वो हमारा कुत्ता है ही नहीं, पड़ोस वालों का है, बाहर गए हैं इसलिए यहाँ छोड़ गए हैं। डायन कहीं की? बाय।
उसके बाद क्या हुआ? तभी लकीली एक डॉगी आ गई तो उसने मुझे छोड़ दिया, वरना आज सेम डिस्कशन हमारा हॉस्पिटल में हो जाता। I'm sorry ऋषि, मुझे पता नहीं था तुम्हें डॉगी से इतना डर लगता है, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। मजाक कर रहा हूँ? उतने पास से उसका चेहरा देखने पर कितना डर लग रहा था पता है? I'm sorry ऋषि। ऐसे कहते हैं क्या? I'm sorry ऋषि। ऐसे ही कहते हैं क्या? तो फिर कैसे कहूँ? ऐसे कहते हैं। वो सब अभी नहीं। तो फिर कब? इस तरह खुलेआम सबके बीच अच्छा नहीं लगता ना। तो कहाँ अच्छा लगेगा? समंदर के पास, जहाँ ठंडी हवा हो, ऊंची ऊंची लहरें हो, और वो लहरें आकर हमारे पैरों को छू रही हो, दूर चांद हो और पास तुम हो, बीच बीच में हमें छूती हुई हवा, ऐसी जगह होगी तब। अंजलि, अब सडनली समंदर को हैदराबाद में लाना मतलब थोड़ा तो मुश्किल वाला काम है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। कम लेट्स गो। मैं अभी आता हूँ। ओके। अंजलि चलो चलते हैं। हाँ? हमें तो राइट में जाना मुझे था। मुझे रास्ता पता है। कहाँ जा रहे हैं ऋषि? अरे बताता हूँ। मुझे एयरपोर्ट क्यों ले आए तुम? ट्रेन पकड़ने के लिए। ओहो, कहाँ जा रहे हैं हम? इतनी क्यूरियस क्यों हो रही हो? सेम क्वेश्चन 10 मिनट में 1000 बार पूछ लिया। बॉम्बे की फ्लाइट कितने बजे? 6:45। रिटर्न फ्लाइट 9:45। ओके, जाने के दो और आने के दो, पूरे 4 टिकट दीजिए। ओके। मैं नहीं आ रही। कुछ नहीं होगा, 11 बजे तक तुम घर पे रहोगी। ओके नेम प्लीज। आज की नहीं मानते तुम। ऋषि और अंजलि। इज इट प्रीपेड टैक्सी? हाँ। वी जस्ट नीड अ टैक्सी। आपका नाम क्या है? ऋषि। कहाँ जाना है? बैंडस्टैंड। गाड़ी का नंबर 4425। थैंक यू। समंदर के पास, जहां ठंडी हवा हो, ऊंची ऊंची लहरें हो, और वो लहरें आकर हमारे पैरों को छू रही हो, दूर चांद हो और पास तुम हो, और बीच बीच में हमें छूती हुई हवा,
शांता बाई, साहब के आने का वक्त हो गया है, खाना टेबल पे लगा दो। अरे ससुर जी, आप अब तक सोए नहीं? अरे तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज इतनी जल्दी क्यों निकाल दिए? अरे आप दिन भर तो कॉन्टेक्ट लेंस पहनती हो, कम से कम रात में चश्मा तो पहन ही सकती हो ना। चश्मा लगाने से बुढ़ी लगती हूँ ना मैं। अरे नहीं लगाओगी तो पति को ससुर जी बोलती हो अच्छा लगता है क्या? सुनो, लेंस निकालने के बाद अपने कमरे से बाहर मत आया करो, समझ गई ना? हाँ ठीक है। अरे वहाँ नहीं, यहाँ चलना है। वही तो आ रही हूँ। शादी से पहले तुम्हारे पिता ने कहा था कि मेरी बेटी को चश्मा है, पर पूरी की पूरी अंधी है, ये बात मुझे नहीं बताई थी। हेलो। हेलो विश्वनाथ, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। हाँ शेखर, क्या हालचाल है? कुछ नहीं यार, तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारे लिए मेरे हाथों एक पार्सल भेजा है। हाँ। फ्लाइट से उतरते हैं एयरपोर्ट। थी डैडी। ठीक है, आओ खाना खाते। वो जिद कर रही थी इसलिए डिनर मैंने वहीं कर लिया। कोई बात नहीं, देर हो रही है, जाके सो जाओ। गुड नाइट डैडी। हाँ ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। सर, अंजलि शाम को एयरपोर्ट गई थी, वो क्यों गई थी, उसके साथ कौन था, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं बताता हूँ सर आपको। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। सर मैं सारथी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अंजलि शाम 6:45 की फ्लाइट से अपने फ्रेंड के साथ मुंबई गई थी। 7:45 पे मुंबई पहुंची, वहाँ एयरपोर्ट पे प्रीपेड टैक्सी लिया। टैक्सी नंबर MH01-4425 सर। ड्राइवर से हमारे लोगों ने बात की है, वो कह रहा था कि उन्होंने फर्नीचर वाले से 2 टेबल और 2 चेयर लिया था। सन एंड सन रेस्टोरेंट से खाना भी लिया था उन्होंने। उसके बाद बैंड स्टैंड गई और 45 मिनट तक वो वहीं थी। क्या किया वहाँ? डिनर किया सर। फिर 9:45 की फ्लाइट पकड़कर 10:45 को हैदराबाद आ गई। उसके दोस्त का नाम क्या था? टिकट पे ऋषि करके लिखा था सर। ऋषि सर। एनीथिंग एल्स सर? गुड नाइट सर। ऋषि। मैंने पहले ही प्रिंसिपल से कहा था। क्या कहा था? कि सबके लिए बॉल खरीद दो, माने ही नहीं। अब देखो एक बॉल के लिए सब कैसे लड़ रहे हैं आपस में। बेवकूफ, वो गेम है यार। किसी ने देख लिया तो हमारे कॉलेज की बेइज्जती हो जाएगी। दिमाग है ही नहीं। बहुत देर बाद पता चला। मिस्टर ऋषि, अब प्लीज आप थोड़ा बोलिए। यहाँ नहीं सर, इफ यू डोंट माइंड मेरे साथ चलेंगे थोड़ा। हेलो अंकल। ऋषि। क्या करते हो? डिग्री का फाइनल ईयर है सर।
पढ़ाई करने के बाद क्या सोचा है? शादी करने का सोचा है सर। उसके बाद क्या करोगे? हनीमून पर जाऊंगा। और उसके बाद? उसके बाद क्या होगा, मतलब बच्चे पैदा होंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी भी शादी करवाएंगे, वो भी हनीमून पे जाएंगे, उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे, उसके बाद तो शायद हम नहीं होंगे। जिंदगी में प्यार, शादी, बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है क्या? किसी की लाइफ में इससे ज्यादा क्या होगा अंकल? होता है, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करने की जिद हो तो जरूर होता है। 30 साल पहले मैं इस शहर में अपनी बीवी और एक सूटकेस के साथ आया था। उसके मंगलसूत्र को बेचकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज करोड़ों कमा चुका हूं मैं। ऐसे एम्बिशंस नहीं है तुम्हारे? आपका बेटा क्या करता है अंकल? मेरी कंपनी में वो MD है। ये क्या अंकल, आपके हिसाब से आपके बेटे की शादी होने के बाद हाथ में एक सूटकेस देकर बीवी के मंगलसूत्र के साथ रोड पर भेज देना चाहिए था ना? हमारी लाइफ की तरह सबकी जिंदगी हो, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सर, एक इंसान रिक्शा चलाकर करोड़पति बन गया, इसलिए अपने बेटे को नई रिक्शा चलाने के लिए देना, ये तो बेवकूफी है ना सर। हम अगर 10 कदम चलेंगे तो हमारे बेटे को 11वें कदम से शुरुआत करनी चाहिए, पर फिर से पहले से स्टार्ट करने को कहना करेक्ट नहीं है सर। सोचा था मेरी बेटी ने तुझसे प्यार किया है और वो तेरे साथ मुंबई तक गई, तो इसका मतलब उसका दोस्त जरूर एक समझदार लड़का होगा। पर तुझसे बात करके पता चला कि तू तो बेवकूफ है, तू मुझे पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं सर, अंजलि को पसंद आ गया ना, उतना ही काफी है। काफी नहीं है, एक लड़की से प्यार कर आई लव यू का ग्रीटिंग कार्ड देना काफी है, लेकिन उसी लड़के से शादी करने के लिए बहुतों को वेडिंग कार्ड देने पड़ते हैं, जिसमें काफी खर्चा होता है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? प्यार करने के लिए पैसे चाहिए? उसे पालने के लिए चाहिए। कितने? आइसक्रीम मांगे तो पार्लर खरीदने जितना, डिनर मांगे तो रेस्टोरेंट खरीदने जितना, 19 साल की बेटी की पसंद के लिए एक पिता की 40 साल की मेहनत जितना, मेरे इतना। मैं हर रोज 1,00,000 रुपए कमाता हूं, तुम अपनी पूरी जिंदगी में 1,00,000 रुपए कमा के दिखाओ, मैं अंजलि की शादी तुमसे कर दूंगा, वरना इस सूटकेस में करोड़ रुपए हैं, इसे ले लो और फिर मेरी बेटी को कभी दिखना भी मत। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। Always right. Dad, हमारे मिल्क पाउडर के लिए मैंने एक अच्छा कैप्शन सोचा है। आप अगर वो लाइन सुन लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के लिए लाइन लग जाएगी। और अगर ऐसे ही बेचा तो नहीं खरीदेंगे? पहले क्या सोचा है वो बताओ, अपना आइडिया बाद में बताऊंगा। इस मिल्क पाउडर से आप बच्चे के बढ़ने के लिए सारी चीजें खरीद सकते हैं, सिर्फ माँ के प्यार के अलावा। कैसा है डैड? अच्छा नहीं है। क्यों? हम बेच रहे हैं मिल्क पाउडर, मतलब माँ के दूध को डब्बे में डाल के बेच रहे हैं, यानी हम माँ के प्यार को नहीं बेच पा रहे। वो लाइन बदल दे। इस पाउडर से अपने बच्चों को बढ़ने के लिए आप सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो भी प्यार के साथ। क्या किया बता? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरी चेन कहाँ गई बता? क्यों जी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हें सिर्फ मेरा चिल्लाना नजर आता है, उसके कर्म नजर नहीं आते। अब क्या किया उसने? क्या किया, ये देखो, उसने चेन को बैंक में गिरवी रख के पूरे 20,000 का कर्जा लिया है। सुबह बैंक वाला दुकान पे किस्त मांगने आया था। इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए थे? जब तक कर्जा चुका नहीं देता तब तक बात नहीं करेगा क्या? गुस्सा आ रहा है क्या? तेरे गुस्से से ज्यादा तेजी से कर्जा चुकाने के लिए बैंक वालों का मुझे लगातार फोन आ रहा है। कल जब तू कुछ कमाने लायक हो जाएगा ना, तब खर्चा करने की सोचना, समझे? और ये बात मत भूलना कि तेरे पापा की सिर्फ किराना की दुकान है। सुन, मेरे बच्चे मेरे ही सामने किसी नालायकी वाली हरकत करें, ये बात मैं बिल्कुल नहीं सह सकता हूँ। आपको सहने की कोई जरूरत नहीं है, वो कर्जा मैं चुका दूंगा। अरे तुमने मुंबई जाने के लिए अपनी चेन गिरवी रख दी थी ना? क्यों ऋषि, इतना खर्च करके
सारे पैसे वाले खर्च नहीं करते, खर्च करने वाले सारे खुश नहीं रहते। पर मैंने उस दिन खर्च किए हुए एक एक रुपये का 10-10 रुपये जितना एंजॉय किया। आई एम हैप्पी। पर तुम्हारे डैडी तुम्हें इतना डांट रहे थे तो मेरे पापा की डांट तो मैं 10 मिनट में भूल जाऊंगा अंजलि, पर तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल तो हमेशा याद रहेंगे ना। ऋषि, अगर बुरा ना मानो तो मैं चाहती हूँ कि इस बात पर रिएक्ट ना करो, पर फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही। ऋषि, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, इसलिए ये तुम्हारे डैडी को इस तुम भी मेरे पापा की तरह मेरे चयन के बारे में सोच रही हो, मेरे मन के बारे में नहीं सोच रही हो ना। अब तक मेरे पापा ने मुझे डांटा तो मुझे हर्ट नहीं हुआ। जब भी दिखती हो तो मैं पैसे मांगता हूं, इसलिए ये भी मैंने पैसों के लिए किया है सोच रही हो। उस दिन जब तुम समंदर देख रही थी तब तुम्हारी आंखों में खुशी देखनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर तुमने उसकी भी कीमत लगा दी। थैंक्स। क्यों अंजलि तुमने ऐसा सोचा? पैसे वाले सब ऐसे ही होते हैं क्या, तुम्हारी तरह, तुम्हारे पापा की तरह? ऋषि प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हारी नजर में मेरे पापा डस्ट हैं। अब मैं वो 20,000 नहीं लाके दूंगा तो मुझे मेरे घर से निकाल देंगे, तो तुम्हें मुझे संभालना होगा, यही सोच रही हो ना? मैंने ये इसलिए नहीं दिया। तो क्यों दे रही हो? हाँ, अब मैं भी एक पेपर पे टिकट का कितना हुआ, टेबल का कितना हुआ, खाने का कितना हुआ, ये लिख कर दे दूंगा, चलेगा क्या तुम्हें? अब तक सोचता था मैंने एक खूबसूरत लड़की से प्यार किया है, पर आज पहली बार लगा कि मैंने एक पैसे वाली लड़की से प्यार किया है। गलती की मैंने। हेलो, ये क्या है? बोर्ड। ये क्या है? रोड। इस बोर्ड के नीचे इस रोड पे गाड़ी पार्क करने की हिम्मत कैसे हुई? बाइक पार्क करने के लिए हिम्मत नहीं, स्टैंड चाहिए। मजाक कर रहे हो? फैक्ट है। बकवास मत करो, जल्दी फाइन भरो। कॉलेज की फीस नहीं भरता, फाइन क्यों भरूं? स्टूडेंट हो क्या? हां। 50 रुपए दोगे चल जाएगा। पुलिस वालों को मैं कर्जा नहीं देता भाई। ये कर्जा नहीं है भाई। तो फिर रिश्वत है? अरे भाई, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। कितना देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों दे ये इम्पोर्टेंट है। लिखूंगा तो 100 लगेंगे, 50 दे दो। क्यों दूंगा पैसे? गाड़ी चलाओ तो रिश्वत, रोको तो रिश्वत, खड़ी करो तो रिश्वत, हॉर्न मारो तो रिश्वत, कब तक लूटोगे पब्लिक को? तू रेवोल्यूशन कर रहा है क्या? नहीं पोल्यूशन। मजाक करेगा तो इरिटेशन हो जाएगा। गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, कल कोर्ट में फाइन भर के गाड़ी ले जाना, तब पता चलेगा। 50 रुपए मांग रहा वो भी नहीं दे रहा है। आऊंगा सर, कोर्ट ही नहीं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, न्याय के लिए कुछ भी करूंगा, किसी को रिश्वत नहीं दूंगा सर मैं। क्यों भाई, क्या हुआ? नो पार्किंग में बाइक खड़ी की तो रिश्वत मांगता है वो। और एक बार रिश्वत खा दो तेरी उंगली तोड़ दूंगा, समझे? न्याय के लिए अपनी जान भी दे दूंगा सर मैं। ए, पागल हो गया क्या तू? गाड़ी स्टेशन पर चली गई तो कोर्ट, फाइन, न्यूसेंस, उसने जो मांगा है वो उसे दे देना। किसी और की गाड़ी के लिए मैं क्यों दूं? तो फिर वो गाड़ी मेरी नहीं है, गिरी की है। गलत है ना ये तो? क्या गलत है, उस दिन 100 रुपए मांगा तो अक्कड़ दिखा रहा था, अब कोर्ट जाएगा तब पता चलेगा उसे। ए, कितना कमीना है बे तू? कमीना भी मैं अच्छी क्वालिटी का हूँ। अच्छा वो छोड़, अंजलि और तेरा ब्रेकअप हो गया मैंने सुना। इतना खुश क्यों हो रहा है बे तू? अरे मैं तो सिर्फ खुश हो रहा हूँ, मुरली ने तो पार्टी दे रखी है सबको। वैसे तुम्हें छोड़ने के बाद अंजलि अनोरम जाके भगवान की पूजा कर रही है, कल ही अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से रवाना हो गई। घर जा रहा है ना? छोड़ देगा क्या? हाँ चल। रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो करके चलेंगे तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। चल। क्यों बे, मुझे बच्चा समझ के ज्यादा दूर तो नहीं ले जा रहा ना? अरे नहीं यार। ऐसे मजाक कर रहा था, वैसे दिमाग वाले बाइक से ज्यादा दूर नहीं इसलिए अनावरम तक जाके आते हैं। अनावरम? हाँ। गाड़ी रोक, मुझे पैदल घर जाना। आते वक्त बाइक से छोड़ दूंगा यार। प्लीज यार मुझे घर जाने देना, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। मैं नहीं रोकूंगा, चाहे तो छलांग मार दे। ब्रेक का इस्तेमाल कर ले, छलांग क्यों मरवा रहा है मुझे? सॉरी भाई, अनावरम पहुंचने तक एक्सीलेटर के अलावा कुछ नहीं यूज करूंगा। अरे पहले बोलता तो कपड़े लेकर आता। कपड़े नहाने वालों को चाहिए होते हैं, तुझे क्यों चाहिए? हे भगवान, ज्यादा रो मत, जाके आते हैं। चल। क्यों रे, लाइसेंस है क्या? नहीं है। क्यों? अरे वो हाईवे पे अक्सर आरटीओ की चेकिंग होती रहती है, कहीं फंस गए तो। ओ। हाँ? बोला था ना, जा फाइन दे दे। ठीक है सर। बाइक वाले को रोको। रुको 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 रुको, गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा, सर के पास आओ, चलो। इधर आओ, इधर। लाइसेंस है क्या? हाँ घर पे है सर। तो फिर रोड पर क्यों घूम रहे हो? क्यों भाई, आरसी बुक है क्या? हम नोटबुक रखते हैं, आरसी बुक रख के क्या करेंगे सर?
ए, इन लोगों से फाइन लो। हेलो एक्सक्यूज मी सर, ग्रहण बाप जी के बारे में बताया क्या? मैं उनका दामाद हूँ। क्यों? तो फिर दे दे पैसा निकाल। रिसीप्ट तो देंगे ना? रिसीप्ट चाहिए तो 2000 भर दो। रिसीप्ट की क्या जरूरत है, ऐसे ही काम चला लेंगे। चल चल चल। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अनावरम जा रहे हैं सर। अनावरम? हाँ जी। तो एक काम करो, तुमने जो 500 दिए है ना उसमें से 100 रुपया ले लो, मेरे नाम से पूजा करवा कर भगवान को चढ़ा देना, ठीक है? नाम क्या है आपका? श्रीनाथ। कल भी आप यहीं रहेंगे क्या? क्यों? आते समय प्रसाद लेकर आऊंगा। ये बात है, लेकर आना। बहुत डर लग रहा है यार, जो पैसे थे उसमें से आधे आरटीओ वाले ने ले लिए, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे भाई? मुंह बंद कर। पनौती कहीं का? अबे कोई अच्छी बात भी निकलती है तेरे मुंह से? वो मुंह है कि गटर है? गटर? मैं नहीं बोलता तो बिना पेट्रोल के पहुंच जाता क्या? मार दूंगा। अच्छा ठीक है सुन, पानी पी के वो बोतल फेंकना मत, पास में कोई पेट्रोल पंप हो तो उसी में पेट्रोल भरा लेते हैं। ठीक, इसे मोड़ के फेंक देना चाहिए वरना इसी में दोबारा पानी पिलाते हैं। हाँ क्या बोल रहा था? अरे यार ये गाड़ी नहीं है तो गुंडा है, इसे मेंटेन करने के लिए पूरा पेट्रोल पंप चाहिए। छे, अरे बाप रे। एक्सक्यूज मी, रूम नहीं है। बाहर वाले तो ये बोल रहे हैं कि 200 रूम यहाँ पर हैं। रूम नहीं है मतलब रूम खाली नहीं है। मैंने एक्सक्यूज कहा, रूम पूछने के लिए नहीं। फिर क्या चाहिए तुम्हें? छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पैसे लगेंगे। कितने? 100 रुपए। आप क्या करें, वो 100 दे दें। ये क्या पैसे बांध के रखे हैं, चोरी के हैं क्या? ये भगवान के लिए है। ए, क्या कर रहे हो? एक बार भगवान के लिए बांध दिया तो खोलना नहीं चाहिए? ये नहीं खोलूंगा तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। अरे पहले उसे जेब में रखो, तुम जो पूछोगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर विश्वनाथ जी नाम के हैदराबाद से एक बड़े बिजनेसमैन आए हैं, वो फैमिली के साथ रहते हैं। कौन से रूम में रहते हैं पता चलेगा? इतने पैसे वाले लोग यहाँ क्यों रहेंगे? तो फिर कहाँ रहेंगे? बगल में ही स्पेशल कॉटेजेस हैं, वहाँ होंगे, जाकर देखो। थैंक यू। आपको शुगर है क्या? है। बीपी? वो भी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ शुगर या बीपी नहीं, कैंसर और एड्स भी हो जाएगा आपको। हाँ? अबे रुक यार। क्यों भाई, अब क्या करें? जो भी घर देखे उसका दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे दरवाजा खटखटाना नहीं, नहीं तो लोग हमें खटखटाएंगे। एक बार आईने में देख, मजदूर की तरह दिख रहे हैं। तू तो फिर भी ठीक है, मैं तो बिल्कुल चोर लग रहा हूँ। अगर किसी हवालदार ने देख लिया तो पक्का अंदर कर देगा मुझे। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हैं? अरे बाप रे, अबे तेरी तो काली जुबान है, तू जो कह रहा है वही होता जा रहा है। तुम कल रात को मंदिर में दो लोगों के गले से नेकलेस तुम लोगों ने चोरी किया? पुलिस जी हमें वैसा मत समझिए, चोरों को हमने फिल्मों के अलावा कहीं नहीं देखा है। नाम? आपका नाम हमें पता नहीं है। तुम्हारा नाम बोलो। ऋषि। वीर वेंकटेश सचिन नारायण प्रसाद कुमार संतोष सामरा है सर। तुम्हारा नाम पूछा है। पांडु। पांडु? हाँ, वो क्या है कि बचपन में सब मुझे प्यार से पांडु बोलते थे, बड़े होने के बाद मेरा नाम बदला ही नहीं, वही रह गया, मैं क्या करूँ सर। पांडु तुम यहाँ क्यों आए हो? टाइम ठीक नहीं है इसलिए। क्या? हाँ, वैसे हम लोग गनाराम से आए हुए हैं सर। हाँ। और क्या है कि हर साल हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं सर। हाँ। आपको पता है कि हेलो ब्रदर है। हेलो ब्रदर कौन? हेलो ब्रदर फिल्म में जैसा सलमान और अरबाज है, उसी तरह मेरा नाम पांडु है और उसका नाम क्या है? लड्डू है सर। लड्डू। हाँ? और मैं दोनों इस मंदिर में आए थे। मंदिर में आने के बाद लड्डू दाएं था और मैं बाएं था, और बीच में तुम्हारी माँ नहीं मेरे पापा थे। मंदिर से हम लोग बाहर आ रहे थे तभी वो आकर के हमारा बैग लेकर के भाग गया। तुम्हारा भाई क्या? अरे नहीं, चोर सर। चोर? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं पापा चोर करके चिल्ला रहा था, तो हड़बड़ी में वो भागने लगे। पापा क्या? नहीं मेरा भाई। आगे चोर पीछे लड्डू, आगे चोर पीछे लड्डू, आगे चोर पीछे लड्डू, अचानक वो गिर गया। कौन? चोर? नहीं मेरे पापा। तुम्हारे पापा कैसे? उन्होंने लगा रखी थी सर, तभी कुछ लोग वहाँ आए और जोर जोर से उन्हें मारना शुरू कर दिया सर। इससे चोर को? मेरे पापा को सर। तुम्हारे पापा को क्यों मारा? वो चोर की तरह दिखते हैं सर। मतलब तुम्हारी तरह दिखते? सही पहचाना, गड़बड़ी में वो भाग गया। कौन? चोर? नहीं मेरा भाई। तुम्हारा भाई क्यों भागा? उसे दौड़ना पसंद है इसलिए। तभी से हर साल उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ इस मंदिर में आता हूँ सर। तो उससे चोर को क्या? नहीं अपने भाई को सर। वो देखिए। कौन? तुम्हारा भाई है क्या? नहीं, तुम्हारा स्टेशन। वो क्यों?
वो अगर यहाँ कभी आए तो उसे ये कार्ड दे दीजिएगा सर। तो चोर को क्या? नहीं मेरे भाई को, तेरी तो। मुझे बोल रहे हो क्या? नहीं उसे। Wish you all the best. Thanks. अरे कौन है? अंधेरे में सब अनजान लोग दिख रहे हैं, पहचान वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे अंजलि कहाँ हो तुम? यहाँ आकर भिखारियों की तरह घूम रहे हैं हम तुम्हारे लिए। नमस्ते ससुर जी। हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भेजा है, कल सुबह आपके दर्शन से लेकर प्रसाद तक सब कुछ देखने के लिए कहा है। सॉरी अंधेरा है ना, दिखाई नहीं दिया। अंदर आइए। ठीक है आंटी। वैसे वो तो सो गए हैं। तो आप क्या कर रही थी? मैं टीवी देख रही थी। आइए बैठिए ना। कल सुबह आपका क्या प्रोग्राम है सब बता दीजिए तो हम सारी तैयारी कर लें। एक्चुअली मेरी सास, मेरे ससुर जी और मैं सुबह उठते ही दर्शन के लिए जाने की सोच रहे हैं। बेचारे मेरे पति को भी ले जाएंगे ऐसा सोचा है। गुस्सा कम हो गया? डांटना और सॉरी कहना ये तो तुम्हारी आदत ही है ना? इस बार सॉरी कहने के लिए नहीं आया हूँ अंजलि। तो फिर उस दिन मेरे गुस्से की एक वजह थी, ये बताने आया हूँ। अच्छी बात है। तो फिर खाने का क्या करेंगे जी? हम सब तो कल उपवास करने वाले हैं। आप कभी गए हैं उस मंदिर में? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अंजलि। अभी टाइम नहीं है क्या? ताकत नहीं है। सुबह से पेट में खाना नहीं गया है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे 1000 दोगी तो तुम्हें हैदराबाद पहुँचते ही दे दूंगा, प्रॉमिस। तुम मेरे प्यार के लिए इतनी दूर तक आए हो तो क्या मैं तुम्हारे प्यार को पैसों से खरीदूंगी? जोक पर हंसने की भी ताकत नहीं है, एक बार उसे तो देखो। हम हर साल वहाँ जाते हैं और जब भी जाते हैं ना पूजा जरूर करवाते हैं, क्योंकि पूजा करवाना तो जरूरी है ना। दरअसल अगर मिले तो प्लेट और स्पून भी खा लेगा प्लीज। गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट? पैसे दिए ना? तुम नहीं सुधरोगी। इसलिए कल सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। मेरी सासू माँ तो 5 तरह की पूजा करवाती है, आप आना चाहे तो उनसे परमिशन ले लूँ क्या? पता है बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाकर भगवान को देखूँ, ऐसा मौका मिलेगा क्या दोबारा? मेरे पति तो पता नहीं पूजा में बैठेंगे या नहीं, मैं अकेली बैठूंगी तो चलेगा ना? अच्छा अगर आपको 10 पैकेट प्रसाद का एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना, कुछ हुआ है क्या? हम जा रहे हैं। कल सुबह फिर आएंगे ना आप? हम नहीं आएंगे, किसी और को भिजवा देंगे। आपको देखा है तो मैं आपको तो पहचान सकती हूँ, किसी और को भेजेंगे तो वो भी इसी की तरह पतला और गोरा होगा। तब फिर ठीक है। तुम ही फेमस है? आपको और कुछ चाहिए? 2 कॉफी। अकेले हो फिर 2 कॉफी क्यों? कल नहीं पीती है, कल की भी। ए आपको क्या चाहिए सर? इडली के बिना 1 प्लेट चटनी, सब्जी के बिना 1 प्लेट पूरी, चीनी के बिना 1 कप कॉफी। तो फिर टिप के बिना बिल मत पूछना सर। हैं? स्टूपिड वार पंजाब। हैं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा एक भाई है ना? हाँ सर। तुम्हारी तरह दिखता है ना? बिल्कुल सर। कुछ साल पहले अनावरम आते हुए बिछड़ गए थे ना? एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली सर कह रहा है, वहाँ तेरा भाई स्ट्रीट लाइट के नीचे टॉर्च लाइट पकड़ के तुझे ढूंढा है और तू यहाँ पर बैठा खाना खा रहा है। वो भी मैं ही था सर। मतलब तुम पांडू? तो ले खा ले लड्डू। अब तक नहीं मिला मतलब? क्यों, मैं नाश्ता करने गया तो मुझे उठा सकता था ना? कल पक्का उठाऊंगा। अबे अंजलि के लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? अबे इतने खर्चे में तो कोई नई लड़की मिल जाती। तू बोर नहीं हो रहा है क्या? ऐसे क्यों घूर रहा है? तो गुस्से में बात कर रहा है, गुस्से का कारण क्या है सोच रहा हूँ। थक गया इसलिए। तू मेरी तकलीफ तू बोलेगा मैं सुनूंगा, समझ गया? तू बोल। चल मंदिर में भी आजादी नहीं। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुदेव नमः, ओम विक्रमाय नमः, ओम। पूजा खत्म होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक अगर हम यहाँ खड़े रहे तो देखने वाले कहेंगे कि पक्का चोर है ये दोनों। सोच ले बेटा, तू सलाह दे रहा हो यार। अंजलि से बात करनी है। अबे 1000 रुपए खत्म हो गए क्या? ए, पैसों के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती? हाथ आगे कीजिए और ये अक्षत अपने हाथ में लीजिए। पूर्व के समय में सारे महर्षि साधु भी उनके गुरु की तरह होने वाले सूत्र महर्षि की तरह उनको नमस्कार करके
इस कलयुग में होने वाले मानव को सारी तकलीफों से और सारी समस्याओं से और सारे पापों के मार्ग को खत्म करने वाला मार्ग यहीं पर है। और ये भी कहते हैं कि यीशु महर्षि को नमस्कार करके सारे महर्षि ने जब वैसा पूछा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई भी संदेह हो तो उस संदेह को मिटाने के लिए महर्षि इस धरती पर आएंगे और भूमि लोक में वो तुम्हारी तकलीफों को देखेंगे और वो मनुष्य को उसके संस्कार से अवगत कराएंगे। सत्यनारायण स्वामी जी का अगर तुम व्रत रखोगे तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा वो तुम्हें बोलेंगे। और उनका व्रत रखने से जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए सत्यनारायण स्वामी का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। सत्यनारायण स्वामी जी का प्रसाद जरूर चखना चाहिए, उसे हटाना या उसे रखना नहीं चाहिए। इस कहानी से आपको जो साक्ष्य मिलता है उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और जीवन के सही मार्गदर्शन पर चलिए, ऐसा प्रभु ने कहा है। सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में लक्ष्मी आती है, घर में वैभव बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, ऐसा प्रभु ने कहा है। हाँ, सब सामने देखिए, स्माइल करिए, स्माइल, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, इससे प्रसाद लेकर हाँ, थोड़ा सा और पीछे। और कहाँ जाएंगे, थोड़ा पीछे जाओगी तो फोटो अच्छी आएगी। ये क्या है? डैड यहाँ खड़े हो जाइए, फैमिली फोटो ले। क्रिएटिव काम तू क्यों कर रहा है? फोटो निकलवाने के लिए विनती करनी होगी क्या? आइए प्लीज। ठीक है, सब लोग स्माइल करें। ओके, देखा कितनी अच्छी तरह से खींचा। वो तो ठीक है, पर कैमरे को ऐसे घुमा के स्ट्रेट खींचता तो और अच्छा। आओ बेटी। चलिए। ये स्वामी जी का कुंड है, मन में जो भी इच्छा है उसको मन में रख के इसमें पैसा डालिए, वो जरूर पूर्ण होगी। पानी में पैसे डालने पर मन की इच्छा कैसे पूरी होगी पंडित जी? दूध में शक्कर मिलाते हैं तो मिठास क्यों बढ़ जाती है? नमक डालने से नमकीन क्यों हो जाता है? कुछ चीजों की वजह नहीं होती है, मन चाहिए बेटा। डैडी, इसमें पैसे डालने से मन की इच्छा पूरी होती है, आप जानते हैं? अभी तो आपने कहा कि मन नहीं कर रहा, तो फिर पैसा क्यों डाला? अभी भी नहीं मन था, पर मेरी बेटी ने कुछ मांगा है, वो उसे मिल जाए इसलिए डाला। वैसे पंडित जी, मेरी बेटी भगवान को मानती है और मैं उसकी आस्था को। हे, और कितना इंतजार करेगा? मैं उसके पापा को बहला कर यहाँ से ले जाता हूँ, तू चुपचाप इस बीच उससे बात कर ले। उन्हें जुदा करना पड़े तो मैं बात नहीं करूंगा तो ही अच्छा है, वैसे भी ये मुझसे तो पापी होगा ना। अरे मैं पेट्रोल भरा के आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। कोई बात नहीं, तू हैदराबाद निकल जा। सॉरी। वेट करेगा बोलता है, स्टाइल तो देखो। ना अगर चले ना मगर चले, बस कहर चले जब आए सिंघम सिंघम। आप पकड़ लिया? क्या बात है, तुम्हारा एक भाई है ना, राइट? हाँ है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, राइट? हाँ बिल्कुल दिखता है। कुछ साल पहले अनावरम आते समय बिछड़ गए थे, राइट? बिछड़ गया था। हाँ तो? अरे क्या, हाँ तो क्या, तुम मिल नहीं रहे इसलिए तुम्हारा भाई क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, वो तो बस खाता ही जा रहा है लगातार। वो भी मैं हूँ। मतलब तुम पांडू? हमेशा तुम ही क्यों नजर आते हो पांडू? क्यों मुझे आज तक नजर नहीं आया लड्डू? इस सवाल का तुम्हें जवाब चाहिए क्या? अभी चाहिए, इधर चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जरा फर्स्ट गियर में डाल तो। या अबे किसने तुझे पुलिस में नौकरी दिया है? दो दिन से यही कपड़े पहनकर घूम रहा हूँ, मुझे तो पहचान नहीं पाया, चोरों को क्या पहचानेगा? अबे वैसे एक बात बता, यहाँ हर साल कोई अनावरम में बिना काम के क्यों आएगा बे? अबे मेरे जैसा एक ही आदमी इस दुनिया पर बोझ है, दूसरा हो जाएगा तो क्या होगा, कभी सोचा नहीं क्या? फिर लड्डू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई है भी नहीं। चल बे तू। अबे रुक बे, तेरे चिल्लाने से मैं नहीं रुका, चोर को चिल्ला कर नहीं दौड़ा कर पकड़ना पड़ता है। तो गाड़ी आगे बढ़ा। राशिफल, आज का दिन कैसा जाएगा जरा देखें। मेष राशि, इस राशि वाले लोगों का आज का दिन कुछ अच्छा नहीं बीतेगा, सुबह से लेकर शाम तक उथल पुथल बनी रहेगी और अपेक्षाएं और उपेक्षिताएं मिलेंगी। सुनिए ऋषि आ गया है। कहाँ चला गया था तू, दो दिन से हम कितने परेशान हो रहे थे पता है? पता है ऋषि अनवरम जाकर आया है। आ गया क्या? देखा तेरे आने की वजह से पापा कितने खुश हो गए हैं। इसे खुशी नहीं दुख कहते हैं।
क्यों रे अनावरम जाने वाले, वहीं पे सब्जी आप फोटो की दुकान खोल के वहीं पे क्यों नहीं रहा, यहाँ वापस क्यों आ गया? आप अगर ऐसी बात करेंगे तो ये गुस्से में फिर चला जाएगा। इतनी अच्छी किस्मत मेरी नहीं है। वैसे अनावरम क्यों गया था? वो पांडू एग्जाम अच्छा लिखेगा तो अनावरम जाएगा, ऐसा उसने मन्नत मांगी थी इसलिए। पास हुआ क्या? नहीं। तो फिर गया क्यों था? लिखने की मन्नत मांगी थी, पास होने की नहीं, इसलिए जाकर आ गए। ये बहुत अच्छा है। अरे रे, इसमें तो मेरा सिर्फ पैर ही दिख रहा है, मेरा चेहरा कहाँ है जी? फोटो का तो ऐसा ही है, जैसा वो होगा वैसी फोटो आएगी। मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि आपको फोटो खींचनी नहीं आती है? तुम भी ना, फोटोज अच्छी ही तो हैं, दिखाओ मुझे। कम से कम मेरे पैर तो दिख रहे हैं, आप तो बिल्कुल नहीं दिख रही सासुमा। मैं तो इसमें हुई नहीं। अरे तुम पूजा में थी कहाँ? पर तुम क्यों नहीं हो? अरे फोटो मैं ही खींच रहा था तो मैं कैसे रहूंगा, जब देखो फालतू की बातें। क्यों मेरे लिए रिश्ता देख रहे हो क्या? बस उसकी ही कमी थी। डैड हाँ, मैंने मंदिर में जो फोटो खींची थी वो आ गई है, देख। फोटो आई है वो तो ठीक है, पर मैं इसमें हूँ क्या? डैड बात वो नहीं है, दरअसल सब लोग इसमें अपने आप को ढूंढ रहे हैं इसलिए कहा। ये क्या है जी, ये फोटो तो पूरी काली है। टॉर्च जला के देखो, सब दिखेगा। अरे ये क्या है, मंदिर आधा ही है? हाँ, नजदीक से निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अच्छा, पूरा लेने के लिए शहर से बाहर जाना होगा? आज के बाद मैं किसी की फोटो नहीं खींचूंगा। ये तूने सही सोचा। मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। जी ठीक है। वैसे फोटो अच्छी आई है। ये वाली देखिए तो। इन्हें लो। वो फोटो देना। अंजलि कहाँ है? पहले स्टाफ को भेजिए सर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप फोन कर देंगे तो मैं भिजवा दूंगा। हाँ राइट। हाय अंजलि। हाय। हेलो आंटी। तुम ठीक तो हो ना बेटा, आजकल घर पर क्यों नहीं आती? टाइटल के बिना दिखने वाली ये लड़की कौन है जिससे तुम बात कर रही हो, मुझे बताओगी क्या? ये अंजलि है, ऋषि के कॉलेज में ही पढ़ती है। ओ, ये ऋषि के पापा हैं। ओ मेरी बदनसीबी, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? कोई होटल में क्यों आता है, पहचान कराने तक दिमाग खाते हैं और पहचान कराने के बाद गधों जैसी बातें करते हैं। किसी का इंतजार कर रही हो क्या बेटी? एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, ऋषि आया नहीं आंटी? आया है ना बेटी? आया है, कहाँ है? नीचे है, वहाँ नीचे है, टेबल के नीचे। बेटा ऋषि अपने दर्शन दो। वो क्या है पापा, खाना खाने आए हो क्या? इस होटल में नीचे भी सर्व करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, नीचे 100 का नोट गिर गया था ना, वही निकाल रहा हूँ। झूठ तो तूने बड़ा अच्छे से बोला बेटा। हाँ। लेकिन 100 की बजाय चिल्लर बोलता तो अच्छा होता। हाँ पापा, आपने बोला तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। आज चप्पल टूटेगी। क्यों, खराब हो गया क्या? देखा तूने क्या चप्पल? तुम जाके वहाँ बैठो, मैं इस लड़की से बात करके आता हूँ। जिंदगी में कभी तो मेरी बात मान लिया करो ना, जाओ ना प्लीज। महाशय आप भी जाएं। ऑल द बेस्ट। तुम बैठो। तुमने अपना नाम क्या बताया? अंजलि। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है, शादी करने की सोच रहे हो क्या? हम भी अक्षत डालने की सोच रहे हैं ना। ओके, तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? मेरे घर में कुक है अंकल। तो फिर बर्तन धोने आते हैं? मेरे घर में काम वाले भाई हैं। कम से कम कपड़े धोने तो आते होंगे ना? मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी है। कम से कम फर्श साफ करना तो आता होगा ना? मेरे घर में वैक्यूम क्लीनर भी है। परफेक्ट, मुझे जैसी बहू चाहिए थी बिल्कुल वैसी की वैसी मिल गई। आई एम हैप्पी। मैं सब काम सीख लूंगी अंकल। बिल्कुल नहीं बेटी, तुम कुछ भी मत सीखना। हाँ मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मेरा बेटा खाना बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, कपड़े धोते हुए नजर आए। ये मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आई, मेरे घर की बहू अब तुम ही बनोगी, मेरे बेटे को तुम ही लाइन पे ला सकती हो। अरे सुनो, लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई, इसे कोई भी काम नहीं आता है। क्या चाहिए सर? तुम बाहर जाओ। क्यों सर? तुम बाहर जाओ। क्यों रे, तू मेरे साथ गेम खेल रहा है? तेरे बारे में ठीक से एक मिनट भी मैंने सोचा उसके बाद क्या होगा ये सोचने के लिए तू नहीं रहेगा। मैंने तुझसे कह दिया था, अगर तूने पैसे उठा लिए उसके बाद मेरी बेटी को दिखना मत। तू इतना नीच है कि पैसे लेने के बाद भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा, इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था।
करोड़ रुपए मिलने के बाद जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे मैं छोड़ दूंगा, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? ओके, बना रहूंगा ऐसे मैंने कहा था, पर आप मान कैसे गए अंकल? तुझे तो मैं यहां चलन हो रही है, उसे डॉक्टर बीपी कहते हैं, लोग उसे गुस्सा भी कहते हैं। मुझे करोड़ रुपए देकर मेरी बेटी को छोड़ देगा ऐसा पूछने पर यही गुस्सा इससे 10 गुना ज्यादा आया था मुझे। पर तभी मैं पैसों से ब्रेड खरीद सकते हो पर भूख नहीं, बेड खरीद सकते हो पर नींद नहीं, और सबसे जरूरी मेरा प्यार नहीं खरीद सकते ऐसा कहने पर आप समझ नहीं पाए। लड़का गुस्से में कुछ भी कह रहा है ऐसा आप सोच रहे थे, वही अगर मैं अभी कहूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूं। पैसों से आप ब्रेड तो खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद सकते, बेड तो खरीद सकते हो पर नींद नहीं खरीद सकते, और सबसे जरूरी बात, मेरा प्यार नहीं खरीद सकते। अंकल, आपने जब वो मुझे सूटकेस दिया तब मैंने उसकी चाबी तक नहीं पूछी, जिसे ठंड पसंद नहीं उसे एसी देंगे तो क्या फायदा, मेरे लिए भी ऐसा ही है, इसलिए मैंने उसे वहां पर रख दिया है। पैसे ज्यादा हैं इसलिए दिखने वाली हर चीज को खरीदने की कोशिश मत कीजिए, ताजमहल, चार मीनार, मुझ जैसे लड़के देखने के लिए ही हैं, उसे आप खरीद नहीं सकते। नमस्ते नमस्ते, आप? मेरा नाम विश्वनाथ है, अंजलि का। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे सुनो, ये अंजलि के पिताजी हैं। नमस्ते। ये मेरी पत्नी और ये मेरी बेटी। नमस्ते। जल्दी से कॉफी लेके आओ ना। जरा शक्कर कम रखना, मुझे शुगर है। अंजलि, आपके बेटे, आप तो शायद सब जानते हो। हाँ जानता हूँ, मैं भी आपसे आके बात करने की सोच रहा था। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सुजाता अंकल। इसके लिए रिश्ता देखा आपने? इतनी जल्दी नहीं है सर, 2-3 साल के बाद देखना शुरू करेंगे। अभी से देखना शुरू करेंगे तो 2 साल में रिश्ता मिलेगा, एंड मोर ओवर सभी मेरी बेटी की तरह उन्हें जो चाहिए वो खुद नहीं ढूंढते ना। वैसे भी हम संबंधी होने वाले, उस अधिकार से आपको बिना बताए आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? उस लड़के को बुला रहा हूँ, देख लीजिए। पर अभी क्यों? नारायण, उसे लेकर। जी सर। क्या पढ़ रही हो बेटी? इंटरमीडिएट अंकल। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। गुड, अच्छे से पढ़ना बेटी। यही है वो, परमेश्वर नाम है इसका, बेचारा बिना माँ बाप के है, बचपन में ही चल बसे, अनाथ आश्रम में ठीक से देखभाल ना होने की वजह से वहां से भाग गया था, उसके बाद से ये खुद ही काम करके अपना पेट पाल रहा है, महीने के 2-3 हजार रुपए कमा लेता है। शनिवार को बिरला टेम्पल के पास होता है, तो गुरुवार को शिरडी साईं बाबा टेम्पल के पास, मंगलवार को बगल वाली गली में हनुमान मंदिर, पता है ना, बहुत फेमस है, वहां होता है। भगवान को जो चढ़ावा नारियल वगैरह चढ़ते हैं ना, उन्हें बेचने के बाद ये 500 से 600 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है। चल निकल, बाहर निकल, उठ जा यहां से, उठ। घर में बिठा के तुझे कॉफी पिलाई तो तुझे लगता है तू कुछ भी बोलेगा मुझे? सुनिए, तुम चुप रहो, इतनी उम्र हो गई है लेकिन संस्कार रत्ती भर के नहीं है तुम्हारे अंदर। माना तुम्हारी तरह मैं करोड़ों खर्च करके बेटी की शादी नहीं कर सकता, लेकिन इतना भी बदकिस्मत नहीं हूं कि मेरी बेटी की शादी मैं किसी भिखारी से करवा दूंगा। अंजलि का बाप होने के नाते मैं तुम्हें यहां पर अपने पैरों पर खड़ा होकर बाहर जाने की इजाजत देता हूं। चलो जाओ। हो गया क्या? दिल जल रहा है ना? ऐसे ही गुस्सा आपके बेटे की बातों पर मुझे आया था। एक सुपरमार्केट के ओनर के घर पर एक भिखारी को लाकर आपकी बेटी के साथ शादी करवाओगे ऐसा पूछने पर आपको इतना गुस्सा आया, फिर मेरी तरह करोड़पति के पास एक किराने वाले का बेटा आकर कहे कि आपकी बेटी से प्यार करता हूं, शादी करनी है, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा? हाँ, यह बात मैं आराम से भी कह सकता था कि अपनी बेटी की शादी एक भिखारी के साथ करोगे क्या? पर ऐसा कहने से आप ये समझते कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, इसीलिए उसे डायरेक्टली बुलाकर पूछा, तब समझ में आया आपको। यह भी आपके बेटे ने ही सिखाया। कोई भी इंसान आगे बढ़ने के बाद शादी करने के लिए सोचता है, पर आपका बेटा आगे बढ़ने के लिए शादी करने के लिए सोच रहा है, गलत है, बहुत गलत है। आप सबसे मैं गुस्सा नहीं हूं, माफ करना बेटी, तुम्हारी मौजूदगी में मुझे यह सब कुछ कहना पड़ा, मेरा मतलब आप सबको तकलीफ देने का नहीं था, मैं अपनी तकलीफ आप सबको बताना चाहता था। सुन लीजिए,
अगर मुझे ये पता चला कि आपका बेटा मेरी बेटी के साथ फिर से घूम रहा है तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वरना मेरी चाल आप सबको बहुत भारी पड़ेगी, और आखिरी चाल कितनी भयानक होगी उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे रास्ते में मत आइए प्लीज। कॉफी बहुत अच्छी थी। एक्सक्यूज मी। यस विश्वनाथ जी हैं? आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैंने है कि नहीं पूछा, मिलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं पूछा। है। थैंक्स। ए, ये क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! ए, हेलो, ए सुनो, ए, यू, ए, ए स्टॉप। हाय अंकल। ए स्टॉप, कैसे हो? ये क्या कर रहे हो? देखो तुम मुझसे डायरेक्ट आकर बात कर सकते हो, ऑफिस में हंगामा मत करो। एग्जैक्टली मैं भी आपसे वही कहने आया हूं, कोई भी बात करनी हो तो मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए, मेरे घर जाकर दंगा नहीं करना चाहिए। तुम अंदर आओ। सोच रहा ऐसे हंगामे से डरकर मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा? मेरे घर जाके एक भिखारी को लाकर दंगा करने से मैं डर के आपकी बेटी को छोड़ दूंगा ऐसा लग रहा है? मेरी बहन ने किसी भिखारी से प्यार किया होता तो गुस्सा नहीं करूंगा, बल्कि सोचूंगा। 20 साल से हमारे साथ रहने वाली लड़की, हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी संस्कार जानने वाली लड़की एक भिखारी से प्यार कर बैठी, मतलब पक्का उसकी आदतें उसके संस्कार हमसे मिलते होंगे। समझ में नहीं आया? असल में आपकी प्रॉब्लम क्या है बताऊं अंकल? आपको मैं पसंद नहीं आया, मैं ही नहीं अंजलि से संबंध बनाने वाला कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको आपकी तरह दामाद चाहिए। पार्टी में जाने वाला, 50 करोड़ कमाने वाला, 3-पीस सूट पहनने वाला, कम बात करके ज्यादा काम करने वाला लड़का चाहिए। नहीं मिलेगा, मुश्किल है। फिर भी पार्टी में जाने वाला लड़का मेरी तरह ही होगा, मस्ती करता है, माता पिता को बताए बिना सिनेमा में जाता है, सिगरेट पीता है, दोस्तों के साथ घूमता है। अगर वो वैसा होगा तो ही सही होगा, नहीं तो उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। पार्टी में जाएंगे तो आप भी ऐसे ही रहेंगे अंकल, बहुत दिन हुए होंगे ना, भूल गए होंगे। बस यही बताने आया था। अंकल आप अंजलि से प्यार कीजिए, पर वो आपसे नफरत करे इस हद तक प्यार मत कीजिए, यह आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। भाभी आप कार के पास जाइए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। नमस्ते अंकल। हेलो आंटी। आंटी क्या बात है? आंटी आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? तुम्हारे पिताजी कल हमारे घर आए थे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? आप ऋषि को जानते हैं क्या डैडी? आप ऋषि को जानते हैं, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? यही सवाल मैं तुमसे भी पूछने के लिए सोच रहा था, पर किसी और के बारे में हम टेंशन क्यों लें, इसलिए नहीं पूछा। ऋषि के घर पर कल आप किसी भिखारी को लेकर गए थे और कहा कि उसकी बहन से उसकी शादी करवा दो, ये सब झूठ है ना डैडी? हम जिस पर यकीन कर सकते हैं वही सच है, जो सह नहीं सकते वो झूठ हो तो बहुत ही अच्छा है। अंजलि बचपन में मैंने तुम्हें एक टेडी बेयर दिया था, उसको अगर कोई छू लेता था तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता था, चाहे फिर वो तुम्हारी मां ही क्यों ना हो। मैं भी ऐसा ही हूं, मैंने जिस बेटी को इतने प्यार से पाला अगर उसे कोई मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुमसे मैं कितना प्यार करता हूं ये जाहिर किया और उन पर अपने गुस्से को जाहिर किया। उन्होंने तुझे ये बताया कि मैंने क्या किया, पर ये नहीं बताया कि उस लड़के ने मेरे ऑफिस में आकर कितना हंगामा किया। हाँ, नहीं बताया होगा, कंप्यूटर उठा के पटक दिया, सिक्योरिटी गार्ड को। ये मुझे क्या हो गया है, मैं अब तक नहीं समझ पाया था लेकिन अब समझ आ रहा है। किसी और को मैंने डांटा तो मेरी बेटी मुझ पर उंगली उठा रही है और मैं सफाई दे रहा हूं,
मेरी अंजलि को मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो भी किसी और के लिए। क्रेजी, इट्स क्रेजी। डैडी, कभी आप ही कहते थे ना, हमसे जो बड़े हैं उन पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारी उम्र वालों से मुकाबला होना चाहिए, और हमसे छोटे जो हैं उनसे प्यार होना चाहिए। पर ऋषि पर आपको इतना गुस्सा क्यों है डैडी? वो तुझे इतना क्यों पसंद है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बेटी, दुख हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी को पसंद आने वाला कलर मुझे पसंद है, उसे पसंद आने वाली कार पसंद है, यहां तक कि आइसक्रीम फ्लेवर भी मुझे पसंद है, पर मेरी बेटी को पसंद आने वाला इंसान मुझे क्यों पसंद नहीं है? ऋषि, 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 ये दो अक्षर बहुत दिनों से मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अंजलि, अंजलि, हम सही करने पर ये सही है, गलत करने पर ये गलत है कहने वाले बहुत लोग होते हैं। हम जो सही गलत करते हैं उसे बर्दाश्त करने वाले हमसे प्यार करते हैं। तुम मेरी जिंदगी में अच्छे लोगों की तरह रहोगी या फिर प्यार करने वालों की तरह, ये मुझे अभी बता दो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या फिर ऋषि से करती हो? बहुत ही छोटा सा सवाल है ये, पर मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैडी। और ऋषि से? तुम लड़कियां बहुत समझदार होती हो, सही कहा ना? एक पिता से तुम्हें इसलिए प्यार है क्योंकि उसने तुम्हें 20 साल पाला है, और होने वाले पति से तुम्हें इसलिए प्यार है क्योंकि उसके साथ तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें अगर 100 मार्क्स बांटने हो तो 20 मुझे दोगी और 80 उसे। कम से कम 15 मार्क्स और देकर अपने पापा को पास तो कर देती, या फिर सिर्फ 20। आई एम फेलियर। बहुत गर्मी है यार, क्या देख रहे हो भाई तुम लोग? अपना पवन उस माला के साथ पेड़ के पीछे गया है, वो क्या कर रहा है वही देख रहे हैं। और क्या करेगा, कॉफी पिएगा। कॉफी? हाँ, कॉफी मतलब लिप किस कह रहा हूँ। नमस्कार सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसीलिए कॉफी पीने जा रहा हूँ। कैंटीन उधर है, इधर किधर जा रहे हैं सर? मैं कॉफी बीवी के हाथों पीता हूँ तो ही मजा आता है। ये लोग क्यों हंस रहे हैं? वो कुछ नहीं सर, इस उम्र में कॉफी पी रहे हैं आप बहुत महान है सर। पागल कहीं का, तूने कुछ नहीं देखा, जब मैं तेरी उम्र का था तो दिन में 12 कॉफी पी जाता था। 12 बार? और अब? अब तो 4-5 के ऊपर नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह उठते ही कॉफी जरूर चाहिए। सुबह सुबह ही? दरअसल आँख खोलते ही मुझे कॉफी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता। वैसे आप दिखते नहीं है लेकिन बहुत रोमांटिक है सर आप तो। आपको बाहर पीने की आदत नहीं है क्या सर? चांस ही नहीं है, कॉफी मुझे मेरी बीवी के हाथों ही चाहिए। ये होटल में, कैंटीन में, यहाँ की कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ कॉफी मर्द देते हैं। क्यों, इन लोगों को क्या हुआ? आप जाइए सर, आपके लिए कॉफी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी बीवी बाहर गई हो तो कॉफी नहीं मिलेगी, जाता हूँ। आज क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? सर, ए, इसे कोई कॉफी पिला दो नहीं तो हंस हंस के मर जाएगा। जैम लगा दूं क्या? गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी है, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? सॉरी बेटा, एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अंजलि से भी इम्पोर्टेंट काम है? इम्पोर्टेंस बदलते रहते हैं लक्ष्मी, बचपन में 3 पहियों वाला साइकिल चलाते हैं पर अभी नहीं चलाते ना। आज ऑटो में चली जाओ। ऑटो में? हाँ बिल्कुल, उसके रास्ते मैं गया था पर वो मेरे रास्ते में नहीं जाएगी, और वैसे भी उसे कहाँ जाना है उसे पता है, कैसे जाना है ये बताने के लिए मैं कौन होता हूँ? डैडी, shall we play a game? नहीं बेटी, मन नहीं है। मन नहीं है या मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती है। Thank you.
तुम अभी तक सोई नहीं? तबीयत ठीक है ना? ठीक ही है। तो अभी तक जाग क्यों रही हो? जाओ सो जाओ। तुम खड़ी क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है रारी। ओ, भूल गया, कल हम सब एक ग्रैंड पार्टी करते हैं। अपने फ्रेंड्स को बुला लो, ऋषि को भी। हाँ क्या हुआ अंजलि? आपको देखकर मुझे डर लग रहा है डैडी। घर में सब लोग आपसे डरते हैं, पर मुझे आपसे कभी डर नहीं लगा। आपके पास कभी भी आती हूँ, कुछ भी बातें करती हूँ, पर आज फर्स्ट टाइम आपको देखकर मुझे डर लग रहा है। आपको पकड़ कर रोना चाहती हूँ, पर आपसे डर लग रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। आप बिल्कुल बदल गए हैं। मेरे डैडी ऐसे कभी नहीं थे, मेरे साथ टेनिस भी नहीं खेल रहे, और आज तो आप मेरा बर्थडे भी भूल गए। आप बदल गए हैं डैडी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बदला हूं, तुम बदल गई हो। आओ देखो, जरा आउटगोइंग कॉल्स चेक करो। तुम्हें विश करने के लिए मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल करके कट किया है। देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद कर और इसे तुम्हें ना देने के लिए अपने आप को मैंने कितना रोका है, तुम जानती हो? नहीं जानती। कितने दिन इस कमरे में तुम आओगी ये सोच सोच कर मैंने बिताए हैं, तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। पर एक बार भी मैंने तुम बदल गई हो ऐसा कहा क्या? हा? तुम्हारी तरह रोया? नहीं रोया। कितनी शामें मैंने उस टेनिस कोर्ट में अकेले तुम्हारी राह देखते हुए बिताए, मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन तुम बदल चुकी हो, ऐसा मैंने कभी तुमसे कहा क्या? नहीं कहा। मैं नहीं बदला हूं अंजलि, तुम बदल गई हो। कितनी बदली हो अगर बताऊं तो, बुकशॉप पर भी बताकर जाने वाली तुम मुंबई मुझे बिना बताए चली गई। उस दिन ऋषि के साथ जब तुम मुंबई से वापस आई और मैंने पूछा तो तुमने कहा फ्रेंड के घर गई थी। डैडी से झूठ बोला तुमने, मेरी अंजलि मुझसे झूठ बोली। पर उस दिन मैं रोया नहीं, तुम बदल गई ऐसा कहा नहीं। मैंने अपने से भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, पर तुमने सबसे ज्यादा उस लड़के से प्यार किया। कल तुम चली जाओगी, मैं फिर भी तुम्हारी राह देखते रोते तड़पते यहीं पर रह जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मैं नहीं बदला, बदलने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझसे ऐसा हो नहीं पा रहा। यह बहुत मुश्किल है, पर मुझे बदलना होगा। बदलूंगा मैं, बदलना होगा। क्यों? अब तक तुम्हारे माथे पर चूमने के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं क्या? उसी तरह से कंट्रोल कर लूंगा, पर इस तरह रोऊंगा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं बदलूंगा, बदलूंगा मैं। मुझे मत बदलिए डैडी, और आप भी मत बदलिए, मुझसे बात कीजिए।
मेरे साथ टेनिस खेलिए। सबसे पहले मुझे विश कीजिए, सबसे ज्यादा मुझे प्यार कीजिए। आपके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। मधु। यस डैड। वो क्या है? एक्चुअली अंजलि अप्रैल्स के लिए ब्रोशर्स देख रहा हूँ। ओह, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए डैड। मेरे बारे में सारधी को एक बात पूछनी थी। सारधी को? पर मैं क्यों पूछूं? आप पूछेंगे तो मना थोड़ी करेगा। मना तो नहीं करेगा, पर सारधी को कहने के अलावा पूछने की आदत नहीं है। क्या डैड? यही कि सारधी क्या हमारी अंजलि से शादी करना पसंद करेगा। सारधी से? पर उसकी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है डैड? आप ऋषि को लेकर टेंशन में हैं। ऋषि को तू कैसे जानता है? आपके अकाउंट से 100 रुपए निकालने पर हमारे कंपनी के क्लर्क को भी पता चल जाता है, और आप करोड़ों रुपए ऋषि को देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। डैड, मैं जो आपसे कह रहा हूं प्लीज उस बात का बुरा मत मानिएगा, उसके लिए वो सही है। अंजलि को प्यार करने के तरीके आप दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं। बचपन में जब उसे मीठा खाना होता था तो आप आधी रात को दुकान खुलवा के ले आते थे। ऋषि भी वैसा ही है। उसने ऋषि से जैसे ही कहा उसे समुद्र देखना है, वो अंजलि को तुरंत मुंबई लेकर चला गया, वो भी सोने की चेन गिरवी रखकर। मुझे भी इसी बात का डर है। शादी के बाद जब वो शहर देखना चाहेगा तो वो इसके गले का मंगलसूत्र बेच देगा। उसे सिर्फ प्यार करना पता है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और इसीलिए अंजलि की शादी मैं सारधी से करवाने की सोच रहा हूं। अंजलि के अगले बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना है ये आप इस बर्थडे पर सोच लेते हैं। जो बाप अपनी बेटी को इतना चाहता है वो उसकी शादी किस आदमी से करेगा, मैं यही सोचता था। बट आपको कैसा दामाद चाहिए ये मुझे आज पता चला। अगर वो इसी शहर का होगा तो आप अंजलि को जाने नहीं देंगे, इसलिए उसका घर नहीं होना चाहिए। अगर उसका नौकरी या व्यापार होगा और फ्यूचर में आपके साथ बनी नहीं तो वो अंजलि को लेकर जाएगा। तो ऐसा दामाद चाहिए जो पैरों पर ना खड़ा हो। सीधे शब्दों में कहूं तो आपकी तरह नहीं होना चाहिए। मैं बहुत लकी हूं डैड, क्योंकि अगर मैं आपकी तरह समझदार होता तो हम इतने साल साथ में नहीं रह पाते। सारधी। सोमवार को सुबह 10:42 पर तुम्हारी और मेरी शादी है। ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है मैं जानता हूं, मुझे भी पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे डैड को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सर कहके बुलाना पड़ता है। तुमसे शादी के बाद मुझे 24 घंटे उन्हें सर कहना पड़ेगा। खैर, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि तुम ऋषि से प्यार करती हो। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को चाहने वाली लड़की से शादी कर लूँ। सॉरी, अपने दिल की बात बताई है। ये बात मेरे डैडी को बता सकते हो? तुम्हारे डैडी ने मुझे फुटपाथ से उठाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैंने उन्हें शादी से मना किया तो वो मुझे दोबारा उसी जगह पहुंचा सकते हैं। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए ऋषि को करोड़ों रुपए दिए उन्होंने। ऑफ कोर्स उसने वापस कर दिए। तुम्हारे डैड पैसे वाले हैं ये बड़ी बात नहीं है, ऋषि का वापस करना बड़ी बात है। इतने अच्छे लड़के को छोड़कर वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, और शायद मैं समझना भी नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हारे पापा को मैं नहीं बताऊंगा, पर एक बात सुन लो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तुम ऋषि के साथ जाओगी या अपने पापा से सीधे बात करोगी, तुम्हारी मर्जी। मैं आकर मंडप में बैठ जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। प्यार तुम्हारा है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, सो ये शादी रोकने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। ये क्या बेटी, इतनी रात को कैसे, क्या हुआ बोलो? ऋषि है क्या अंकल? अंदर आ जाओ पहले। मुझे ऋषि से अर्जेंटली बात करनी है।
क्या हुआ अंजलि? मुझे बताया क्यों नहीं ऋषि? पापा ने तुम्हें पैसे दिए ये क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ बहुत बार बताना चाहा अंजलि, वही बात बताने में अनावरम आया था, पर वहां मंदिर में तुम दोनों को देखकर मैं गलती कर रहा हूं ऐसा लगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे प्यार को खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये बताने के लिए। उनकी नजर में मंदिर में दान देने वाले 10,000 और मुझे दिए हुए करोड़ रुपए दोनों एक समान हैं। मतलब सारथी से मेरी शादी करवाने के लिए तुमने ये नाटक किया? अंजलि मेरी बात, प्यार करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पसंद है कि नहीं ये मेरे लिए जरूरी है। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए अभी यहीं, इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई हूं। तुम्हारे पापा रोएंगे तो मुझे भूल जाओगी? वही अगर उन्होंने गलती की है ये पता चला तो मेरे पास आओगी? यह ठीक नहीं है अंजलि, एक इंसान को जब हम प्यार करते हैं तो उसकी गलतियों को भी हमें माफ करना चाहिए, वरना मान लो हम उनसे प्यार नहीं करते। अभी इस वक्त तुम मुझसे शादी करना चाहती हो यह प्यार के कारण नहीं कह रही हो, बल्कि पापा पर के गुस्से के कारण। यह गुस्सा 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा अंजलि, पर हमारी शादी जिंदगी भर रहेगी। ये सब ठीक नहीं है अंजलि। एक बात बताता हूं याद रखना अंजलि, हमें प्यार करने वालों की वजह से हमारा कभी बुरा नहीं होता। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके कारण तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं, उन पर भरोसा रखो। और चलो प्लीज मुझे वापस मत भेजो ऋषि, ऋषि प्लीज, ऋषि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। कुछ नहीं होगा अंजलि, अंजलि कुछ नहीं होगा, मुझे वापस मत भेजो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऋषि प्लीज मेरी बात मानो, अंजलि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मेरी बात मानो अंजलि। डैड अनु को भी फोन कर लिया, अंजलि वहां भी नहीं है। ठीक है, सारथी ने कहा है कि वो अंदर जाओ अंजलि। मैंने तुमसे कहा अंदर जाओ। मैं आपसे डर के आपकी बेटी को यहां नहीं लाया हूं, बल्कि आधी रात को मेरे घर आई हुई लड़की के बाप का अपमान ना हो जाए इस डर से लाया हूं। ये सच है, ये प्यार से भी बढ़कर है, उसके कारण मैं अंजलि को यहां छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि अंजलि की शादी सारथी से करवाना ठीक है तो मैं यह शादी को रोकूंगा नहीं, लेकिन वही अगर गलत हुआ तो कोई कुछ भी करे ये शादी नहीं हो सकती।
उसने बचपन से जो चाहा आपने उसे दिया, और आज जब उसे ऋषि चाहिए तो वो आप उसे क्यों नहीं दे रहे? वो इतना रो रही है, आपको उस पर दया नहीं आती? बचपन में स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते हैं तो उन पर दया दिखा के पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। जाके ऋषि को लेकर आओ। डैड, मुहूर्त के वक्त वो यहां पर हो। हेलो शर्मा जी। थैंक यू। हाँ आइए। हेलो सर। नमस्ते। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं? सब ठीक है ना? जी यजमान, मुहूर्त का समय हो गया है, लड़की को लेकर आइए। बेटा मंगलसूत्र पहनाओ। सारदी एक मिनट रुको। क्या कहा था तुमने? मैं जो कर रहा हूं अगर वो सही है तो ये शादी होगी, और अगर गलत होगी तो शादी रुक जाएगी। अब तुझे ये शादी देखनी होगी। मैं जो कर रहा हूं वो सही है ये तुझे मानना होगा। अंजलि के लिए तू सही है ये तुझे खुद मानना होगा। इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। देखो मेहमान, अक्षत, मंडप, पंडित, मंत्र, सब कुछ तो है यहां पर। क्या नहीं है जिससे ये शादी रुक जाएगी? बोलो। मुहूर्त, मेहमान, अक्षत, मंडप, पंडित, मंत्र, लेकिन सबसे जरूरी होता है मुहूर्त। किसी को भी पत्रिका देते ही कितना दहेज दे रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है ये नहीं पूछा जाता, मुहूर्त कब का है ये पूछा जाता है। इस शादी में वही नहीं है। आपकी बेटी के हर जन्मदिन पर रात को 12 बजे एक मिनट ना इधर ना उधर, ठीक 12 बजे फोन करके विश करने वाले आप इस शादी के लिए मुहूर्त का ध्यान नहीं रख पाए। जन्मदिन तो हर साल आता है पर शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है। पंडित जी, मुहूर्त कितने बजे का है? 10:42 पर सही मुहूर्त है। अभी कितने बजे हैं? डरिए मत पंडित जी, बोलिए। 10:45। अंकल, आपने जैसे सोचा था उस समय पे शादी नहीं हुई, 3 मिनट देरी हो गई। मैंने देरी नहीं की, आपने ही देरी की। मतलब आप जो कर रहे हैं वो गलत है, यह आपने ही मान लिया। आप अभी भी मंगलसूत्र बंधवा के ये शादी कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने पर आपको आपकी गलती याद आती रहेगी। एक बार आप ही ने कहा था शादी करने के लिए बहुत से लोगों को वेडिंग कार्ड देने पड़ते हैं, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, पर शादी करवाने की खुशी वो लेने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां बैठी दुल्हन के दिल में खुशी है तो बस इतना ही काफी है। इस रेंज में शादी करने जितना पैसा तो मेरे पास नहीं है, और अभी मैं कमा भी नहीं पाऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे लड़के ऐसे ही होंगे, तो क्या करेंगे? प्यार करने की उम्र में कमाई तो हो नहीं सकती, और कमाने की उम्र आने तक प्यार करने का टाइम नहीं होता है। मैं अब तक आपको राजी करने के लिए बात नहीं कर रहा था, बातों से बाहर वालों को राजी करने में विश्वास नहीं रखता, पर एक बात है सर, हम सही या गलत करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है, हमें अकेले को पता चलता है। आपको पता है, आपको पता है। हाँ
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा, न मेरी बीवी ने, न मेरे बेटे ने, सारधी ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। निशब्द, डर लगने जितना निशब्द। मैंने तो अपनी बेटी की रोने की आवाज भी नहीं सुनी। हमेशा मैंने अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए प्यार ही देखा है, उसके लिए आंसू देखे। पर उस दिन मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा, अपनी अंजू की आंखों में मैंने अपने ऊपर गुस्सा देखा। करवा दिया मैंने, उन दोनों की शादी करवा दी। करवा दी शादी। देखो ये प्यार कुछ भी करवा सकता है, आखिरकार हमारे बच्चों के सुख के लिए हमें उनसे बिछड़ने पर मजबूर कर देता है। ऋषि, हमारी पहली रात कहाँ बिताने की सोचा है पता? नहीं पता। ठंडी का मौसम, चांद बादलों से हमें निहार रहा हो, बाहर ठंडी हवा चल रही हो, खिड़की खोले तो सामने दूर दूर तक पहाड़ हो, हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हो कि हवा भी हमारे बीच ना आ सके। अगर ऐसी कोई जगह हो तो क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, अब अचानक तुम्हें कुल्लू मनाली ले जाने के लिए क्या गिरवी रखूं ये सोच रहा हूँ। ऋषि, शिव।